हेलो दोस्तों, नमस्कार। संतोष जी, आईएएस में आप सभी का एक बार फिर स्वागत है। आज यहां पर आपका लास्ट लेक्चर है पूरे वर्ल्ड ज्योग्राफी का। हमने 22 लेक्चर में कंप्लीट कर दिया है। आज इसके बाद जो आपका पीडीएफ होगा पूरी तरह से कंपाइल कर दिया जाएगा। जितने भी पीडीएफ होंगे 22 लेक्चर तक, सभी पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगा, वहां से जाके डाउनलोड कर लीजिएगा। ठीक है, तो चलते हैं। लास्ट लेक्चर है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लेक्चर होने वाला है आपका। यहाँ से आपके बार बार क्वेश्चन पूछे गए हैं, पूछ लिया जाता है ये उद्योग कहाँ पर है या ये उद्योग क्षेत्र कहाँ पर है। ठीक है, तो चलते हैं। यहाँ पर सब कुछ आपको एक डायग्राम के फॉर्म में दिया गया है ताकि आपको याद करने में कोई प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, तो यहाँ पर इस पीडीएफ को भी आप डाउनलोड कर सकते हैं अलग से भी, या मैं आज कंपाइल पीडीएफ आपको प्रोवाइड कर दूंगा। सिर्फ कंपाइल करने में ही जो समय लगेगा वही ज्यादा मतलब लगेगा, इसके बाद आपको टेलीग्राम पर पूरी तरह से ये पीडीएफ मिल जाएगा। ठीक है, आप बता दीजिएगा कौन सा सब्जेक्ट आगे स्टार्ट करना है इस वर्ल्ड ज्योग्राफी के बाद, मैं उसको भी स्टार्ट कर दूंगा। तो चलते हैं, बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। जो लोग नए होंगे प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, क्योंकि आपका जो घटना चक्र है, जितने भी घटना चक्र हैं उनको मैं हैंड रिटन नोट्स में प्रोवाइड करूंगा। सोचिए, इतनी मोटी बुक को हैंड रिटन नोट्स में रखना कितना इम्पॉसिबल, मतलब लगता है इम्पॉसिबल है, लेकिन हमने इसको पॉसिबल करके दिखाया है। ठीक है, तो आप सब क्या करेंगे, प्लीज सपोर्ट करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। आपको हर एक चीज़ें एक अच्छे वे में मिल जाएगा ताकि आपको इसको रिविजन करने में आसानी हो। ठीक है, तो चलते हैं, हम शुरू करते हैं। इसका एक ही बेनिफिट होता है इस पीडीएफ का, जैसे आप पेपर दे रहे हैं, 3-4 दिन बाकी है आपके पेपर में, तो इस पीडीएफ को आप 1 से 1.5 घंटे में पूरे घटना चक्र को रिवाइज कर सकते हैं। पेपर में जितना रिवाइज करेंगे वही सबसे ज्यादा काम आता है। ठीक है, तो देखते हैं यहाँ पर पहला। अब देखिए यहाँ पर पहला क्वेश्चन क्या कर रहा है। अब देखिए यहाँ यूएसए है, यूएसए के जितने भी औद्योगिक क्षेत्र हैं कहाँ कौन सा, जैसे डेट्रॉइट में कौन सा ये मतलब इंडस्ट्री सबसे ज्यादा प्रसिद्ध है, शिकागो में, लॉस एंजल्स में, या रूस के मॉस्को में, चेलियाबिंस में, ये सब क्वेश्चन पूछे गए हैं आपके। तो इस आपके इस वाले मैप में 3 कंट्री मेनली है, यूएसए है, रूस है और चाइना है। ठीक है, तो चलते हैं यहाँ पर देखते हैं। पहले हम देखते हैं डेट्रॉइट। ठीक है, डेट्रॉइट बहुत ही बार पूछा जाता है, डेट्रॉइट आपके पेपर में कई बार आया है। डेट्रॉइट किसके लिए फेमस है, ऑटोमोबाइल के लिए। ठीक है, कभी कभी पूछ लिया जाता है डेट्रॉइट कहाँ है, और कभी कभी पूछता है डेट्रॉइट किसके लिए प्रसिद्ध है। तो डेट्रॉइट किसके लिए प्रसिद्ध है, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री के लिए प्रसिद्ध है। अब कैसे याद करेंगे, कुछ ट्रिक थोड़ा सा बता देते हैं ताकि आपको याद रहे। अब देखिए यहाँ पर लिखा गया टाइट, याद रखिए टाइट। जैसे जैसे ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री होता है उसमें कुछ हर एक पार्ट में एक नट और बोल्ट, आप अगर सुने होंगे नट और बोल्ट होता है, जैसे हर जगह थोड़ा सा नट और बोल्ट किसी चीज को टाइट करने के लिए लगता है, तो यहाँ टाइट लिखा गया। और ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री ऐसी इंडस्ट्री है जिसमें ये सब काम आता है, ऐसे याद कर लीजिए। कभी भी डेट्रॉइट आ जाए तो ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री याद रखिएगा। कई ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री है, लेकिन अगर जो सबसे ज्यादा पूछा जाता है उसका ट्रिक याद कर लेंगे तो सही हो जाएगा, डेट्रॉइट ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री। अब देखिए यहाँ पर सैन फ्रांसिस्को, ठीक है, सैन फ्रांसिस्को, शिकागो, पहले शिकागो देखते हैं। शिकागो किसके लिए, मांस प्रसंस्करण के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए, मांस प्रसंस्करण के लिए प्रसिद्ध। अब देखिए शिकागो कैसे याद करेंगे, शिकार, ठीक है, इसको कैसे याद करेंगे, शिकार, जब शिकार करेंगे तभी तो मांस आता है, ऐसे याद कर लीजिए। शिकागो से शिकार और मांस प्रसंस्करण, जब भी शिकागो आ जाए आप मांस प्रसंस्करण याद रखिएगा, सबसे ज्यादा प्रसिद्ध है पूरे वर्ल्ड में शिकागो। ठीक है, इसके बाद ये लॉस एंजल्स किस इंडस्ट्री के लिए प्रसिद्ध है, एयरक्राफ्ट एवं फिल्म के लिए। ठीक है, लॉस एंजल्स आप देखते होंगे बॉलीवुड, जो हॉलीवुड होता है हमारे, जैसे बॉलीवुड मुंबई में है, ऐसे हॉलीवुड है, हॉलीवुड कहाँ पे, ये लॉस एंजल्स में। ठीक है, एयरक्राफ्ट एवं फिल्म के लिए, आप कैसे देखे, फिल्म तो आपको याद ही रहेगा कि हाँ एयरक्राफ्ट, ठीक है, लेकिन अगर आपसे मैं पूछूं कि एयरक्राफ्ट तो थोड़ा सा कम याद रहेगा। ठीक है, तो एयरक्राफ्ट के लिए क्या आप ट्रिक बना सकते हैं, तो याद रखिएगा इसके लिए आप ट्रिक बना सकते हैं, लॉस एंजल्स लिखा गया, एंजल्स जो एंजल्स होते हैं, जिससे परी आप कहते हैं एंजल, वो एंजल, ठीक है, तो एंजल्स मतलब एयर, एयर में उड़ता है। ठीक है, तो ऐसे याद करिए, जब एंजल्स आ जाए एयरक्राफ्ट, ठीक है, याद रखिएगा जो एंजल होते हैं वो
ऊपर ही रहते हैं, ऐसा नहीं तो जमीन पे, ऊपर ही रहते हैं बादल में, ठीक है। तो यार याद रखिएगा, एयरक्राफ्ट या फिल्म इंडस्ट्री, ठीक, लॉस एंजल्स, ठीक है। तो तीनों का हमने ट्रिक बताया, और डेट्रॉइट का ये टाइट है, नट बोल्ट याद रखिएगा, ऐसे ही याद रखिएगा, ऑटोमोबाइल, शिकागो मास शिकार करेंगे तो मास मिलता है, एयर लॉस एंजल्स, एयरक्राफ्ट एवं फिल्म ये लॉस एंजल्स में याद करेंगे। अब देखिए सैन फ्रांसिस्को में याद रखेंगे, क्या सैन फ्रांसिस्को में तेल, अब देखिए ये मत देखिएगा कि यहाँ पर है ये मैं सिर्फ मैप में जहाँ यूएसए उसी के आसपास दिखा दिया हूँ, ठीक है, ये पूरी तरह से स्केल वाइज मैप नहीं है, ठीक है। अब देखिए उसमें जब मैं सोच रहा था स्केल वाइज मैप लाने में, लेकिन उसमें ज्यादा आपका जो लिखा रहता है उसमें ज्यादा वो टफ हो जाता है, ठीक है, मतलब आप कंफ्यूज हो जाते हैं, इसलिए सिर्फ इतना ही याद रखिए जितना पूछा जाता है पेपर में बस, ठीक है, यही पूछा जाएगा डेट्रॉइट किसके लिए प्रसिद्ध है, तो ऑटोमोबाइल के लिए बताइएगा। अब देखिए सैन फ्रांसिस्को, सैन फ्रांसिस्को कंप्यूटर और जल पोत के लिए, ठीक, तो सैन फ्रांसिस्को याद रखेंगे तेल शोधन, कंप्यूटर और जल पोत के लिए, ये सैन फ्रांसिस्को प्रसिद्ध है किसके लिए, सैन फ्रांसिस्को, ठीक है, तेल शोधन कंप्यूटर जल पोत, ठीक है, ये आपका किसका। और ह्यूस्टन देखिए, ह्यूस्टन याद रखेगा, यहाँ पर मोदी जी गए थे एक बार ह्यूस्टन में, ठीक है, इनका कुछ वो था पब्लिक सेरेमनी, ठीक है, तेल एवं प्राकृतिक गैस, ठीक है, तो ह्यूस्टन में तेल और प्राकृतिक गैस, ठीक है, बड़े पैमाने पर है तेल और प्राकृतिक गैस, ह्यूस्टन, सैन फ्रांसिस्को तेल शोधन यहाँ भी है, कंप्यूटर और जलपोत, डेट्रॉइट, शिकागो, लॉस एंजल्स, ये बता दी, ये किसके बारे में है, यूएसए के जो इंडस्ट्रियल एरिया है उन सब के बारे में है। अब हम देखते हैं रूस के फिर जर्मनी के, ठीक है, पहले रूस के देखते हैं, ये तीनों याद रखिएगा, मास्को ये नहीं पूछेगा, मास्को कहाँ पर, ये नहीं पूछेगा, मास्को पूछेगा, मास्को किस उद्योग के लिए, किस इंडस्ट्री के लिए प्रसिद्ध है, तो मास्को किसके लिए, धातु के लिए, रासायन के लिए, मशीनरी उद्योग के लिए प्रसिद्ध है, क्या, मास्को, ठीक है, ये याद रखेंगे किसके लिए, धातु रसायन मशीनरी उद्योग के लिए आपका मास्को पर है। चेलियाबिंस्क, कई बार क्वेश्चन पूछा गया है चेलियाबिंस्क, अगर आपको क्वेश्चन देखना हो तो प्लीज आप इसको पढ़ने के बाद आप जाइएगा जो घटना चक्र है आपका, जो जो अभी चैप्टर चल रहा है, इस चैप्टर के आप क्वेश्चन उठाइएगा, देखिएगा हर एक क्वेश्चन आपके पेपर में पूछा गया है, ठीक है, तो इसीलिए कहता हूँ हर एक चीजें बहुत ध्यान से पढ़ा करिए, और यही सब रिपीट करके आता है, अभी मैं क्वेश्चन दिखाऊंगा, कई क्वेश्चन रिपीट करके वही बार बार आ रहे हैं, ठीक है। चेलियाबिंस्क धातु एवं सैन्य मशीनरी उद्योग, क्या, किस लिए प्रसिद्ध है, चेलियाबिंस्क धातु और सैन्य मशीनरी उद्योग से प्रसिद्ध है। मैग्नेटोटास्क, मैग्नेटोगोर्स, ये मैग्नेटोगोर्स किसके लिए, लौह और इस्पात के लिए, ठीक है, तो लौह और इस्पात और अगर उद्योग इंडस्ट्री देखा जाए तो ये रूस का मैग्नेटोगोर्स प्रसिद्ध है, ठीक है, तो ये दो याद रखिएगा, चेलियाबिंस्क धातु एवं सैन्य मशीनरी उद्योग, ठीक है, और मैग्नेटोगोर्स किसके लिए, लौह एवं इस्पात उद्योग के लिए मैग्नेटोगोर्स है, ठीक है। अब देखते हैं चीन में देख लेते हैं, फिर जर्मनी में चलते हैं, ठीक है। चीन में अनशन कई बार, बहुत बार पूछा गया है, अनशन आपके आईएएस में भी आया है, पीसीएस में भी आया है अनशन, ठीक है, तो अनशन किस लिए, लौह इस्पात उद्योग के लिए एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री है अनशन, ठीक है। अनशन कहाँ पर है, चाइना में है, ठीक है, याद रखेंगे अनशन, ठीक है, और संघाई, संघाई वस्त्र एवं मशीनरी के लिए, ठीक है, तो वस्त्र और मशीनरी के लिए संघाई का कैसे याद रखेंगे, संघाई से याद रखिएगा सिलाई, ठीक है, याद रखिएगा संघाई से सिलाई, जब भी संघाई आ जाएगा वस्त्र और मशीनरी उद्योग, ठीक है, ये याद रखिएगा। वुहान किस लिए, जलपोत और वह लौह इस्पात के लिए, ठीक है, तो जलपोत और लौह इस्पात के लिए, पता है यहाँ से ज्यादा कुछ किस क्वेश्चन कुछ पूछा जाता है, यहाँ से आपसे सबसे ज्यादा ये पूछा जाता है जलपोत वाला, ठीक, कई क्वेश्चन आपके आए गए हैं जो जलपोत से रिलेटेड हैं, ठीक है, याद रखेंगे कि ये जलपोत का कहाँ पर बनता है, ये कहाँ पर, ठीक है, तो वो अभी मैं आगे बताऊंगा। तो वुहान क्या है, जलपोत व लौह इस्पात, ठीक है, तो ये चाइना में याद रखेगा, चाइना में तीन चीजें याद रखेगा, अनशन, संघाई, वुहान, क्या याद रखेंगे, अनशन, संघाई, वुहान। अब देखिए जर्मनी में अनशन और एसन में कंफ्यूज मत होइएगा, कई लोग अनशन एसन में कंफ्यूज है, जब अनशन आए तो ये चाइना लगाइएगा लौह इस्पात उद्योग, जब एसन आए तो ये जर्मनी, ठीक है, जर्मनी में फ्रैंकफर्ट और एसन यही दो पूछा जाता है, एसन कहाँ है, लौह इस्पात उद्योग, लौह इंडस्ट्री ये कहाँ पे है, जर्मनी में है एसन,
और फ्रैंकफर्ट कहाँ पर है? इंजीनियरिंग एवं परिवहन उद्योग फ्रैंकफर्ट, ये कहाँ पर है? जर्मनी में। तो दोनों याद रखेगा, फ्रैंकफर्ट और एस्टन, ठीक है। इसीलिए मैं इसको थ्योरी के भी फॉर्म में ला सकता था, लेकिन अगर मैं थ्योरी के फॉर्म में देता तो वो आप बुक से ही पढ़ सकते थे, उसमें कोई वो। इसीलिए मैं यहाँ पर किस लिए फॉर्म लाया, मैप में दिखाया, ताकि आपको मैप में थोड़ा सा विजुलाइज हो पाए। जब आप पेपर में बैठिए तो आप हाँ एक बार सोचिए कि हाँ एक बार अगर इसी को देखिए आप दिमाग में कि एशन कहाँ लिखा गया है। एशन तो ऐसा नहीं कि मैं यहाँ पे अफ्रीका के नीचे लिख दिया हूँ, ठीक है, या साउथ अमेरिका के नीचे लिख दिया हूँ, एशन तो यही बीच में है। तो अगर ऐसे कुछ ऑप्शन दिए रहेंगे आपके पेपर में तो आप तुरंत लगा देंगे कि हाँ उस साइड जर्मनी था, तो एशन और फ्रैंकफर्ट यहीं पर है, ठीक है आपको, ठीक है। तो इसलिए मैं सोचता हूँ थोड़ा सा मेहनत अगर कर लूंगा तो आपको याद ही हो जाएगा, ठीक है। तो याद रखिएगा एशन और फ्रैंकफर्ट। और सभी लोग प्लीज अगर जैसे भी अच्छा लगे, कुछ भी लगे, या कुछ भी आपको लगे कि हाँ ये थोड़ा सा परिवर्तन करने की जरूरत है, थोड़ा सा बता दिया करिए कमेंट बॉक्स में, मैं उसको चेंज कर दूंगा, ठीक है। जब आप नहीं बताएंगे तो हमको कुछ नहीं पता चलेगा किस प्रकार से है, ठीक है। आप ही का चैनल है, आप ही बताइए किस प्रकार से इसको आगे बढ़ाना है, ठीक है। अब देखते हैं नेक्स्ट, देखते हैं यहाँ पर आपको आई होप याद हो गया होगा, फ्रैंकफर्ट एसन जर्मनी के इंडस्ट्री एरिया है, अनशन संघाई वुहान चाइना के है, चेलियाबिंस मैग्नेटोगोर्स ये कहाँ के हैं? रूस के हैं, मॉस्को रूस के हैं, ठीक है। अब इधर तो मैं ट्रिक से बताती हूँ, डेट्रॉइट शिकागो लॉस एंजल्स सैन फ्रांसिस्को, ठीक है। तो चलते हैं अब नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ पर देखते हैं क्या देखेंगे, यहाँ पर इटली के बारे में कुछ देखेंगे, ठीक है, जापान के बारे में, जापान के बारे में भी कई बार पूछा गया है क्वेश्चन, ठीक है, और यहाँ पर अर्जेंटीना, ठीक है। तो देखते हैं पहले, और यूके के बारे में, यूके के में क्या है, डूंडी, ये जल वस्त्र वो जूट वस्त्र उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। डूंडी किस लिए प्रसिद्ध है? जूट वस्त्र उद्योग के लिए प्रसिद्ध है, ये कहाँ पर है? यूके में है, ठीक है, बर्मिंघम, ठीक है, जहां पर आपका आप ये गेम हुआ था राष्ट्रमंडल खेल वाला, बर्मिंघम, ठीक है। ये जलपोत निर्माण के लिए प्रसिद्ध है, याद रखेंगे जलपोत निर्माण के लिए। हाँ आपको ये बता देना चाहता हूँ, जो आय दृष्टि है वो आ गई है, आपको 1 से 2 दिन में वीडियो मिल जाएगा, वैसा वीडियो मिलेगा जो पूरे आप YouTube पे कोई नहीं देगा, ठीक है। आप घटनासार मेरा देख लीजिए, पूरे YouTube पे वैसा वीडियो कोई नहीं देता जिस प्रकार से मैं। इसलिए अगर आपके पास आय दृष्टि हो तो उसको थोड़ा सा पढ़िए, क्योंकि मैं पूरा आय दृष्टि का आपको हर एक चैप्टर का टेस्ट लूंगा, ठीक है, मतलब टेस्ट नहीं मतलब MCQ के फॉर्म में ही करवाऊंगा, ठीक है। तो याद रखिएगा अभी 2-3 दिन में मैं उस वीडियो को लाने वाला हूँ, पूरी तरह से मैं आपको ये रटा ही दूंगा, ठीक है, जो आय दृष्टि आया है, ठीक है। तो चलते हैं बर्मिंघम, बर्मिंघम में क्या है, जलपोत निर्माण होता है, ठीक है। डूंडी सेफील्ड, सेफील्ड में कटलरी उद्योग, ठीक है, याद रखेंगे बर्मिंघम जलपोत निर्माण, डूंडी सेफील्ड, ये इसमें यही पूछा जाएगा कि बर्मिंघम कहाँ है, तो यूके में ही है। ये डूंडी इंडस्ट्रियल एरिया कहाँ पर है, ये आप बताएंगे कहाँ पर है, ये यूके में है। सेफील्ड कहाँ पर है, जो इंडस्ट्रियल एरिया, ये कहाँ पर है, आपका यूके में ही है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर स्टॉकहोम, याद रखिएगा स्टॉकहोम स्वीडन, स्टॉकहोम जलपोत निर्माण, ठीक है। तो स्वीडन के स्टॉकहोम में क्या होता है, जलपोत निर्माण होता है, तो बर्मिंघम में भी और स्टॉकहोम में भी, ठीक है, ये याद रखिएगा। अब देखिए इटली का जो एरिया है, इंडस्ट्रियल एरिया, यहाँ से कई बार पूछा, कई बार पूछ लिया गया पो कहाँ पे है, तो आपको पो बताना होगा कहाँ पे है, तो पो कहाँ पर है, इटली में है, ठीक है। और वेनिस किसके लिए प्रसिद्ध है, कांच निर्माण उद्योग के लिए वेनिस प्रसिद्ध है, टूरिन मोटर वाहन के लिए प्रसिद्ध है, ठीक है, जैसे आप डेट्रॉइट पढ़े थे ऑटोमोबाइल के लिए, ऐसे टूरिन यहाँ का है, किस लिए, मोटर वाहन के लिए प्रसिद्ध है। मिलान कहाँ प्रसिद्ध है, रेशम वस्त्र उद्योग के लिए, मिलान किसके लिए, रेशम वस्त्र उद्योग के लिए। तो यहाँ पर इटली के चारों आप एरिया याद रख लेंगे, कौन सा, मिलान, टूरिन, वेनिस और पो घाटी। वेनिस तो बहुत पुराना शहर है, ठीक है, तो याद रखिएगा मिलान, टूरिन, वेनिस और पो घाटी। अब देखिए यहाँ पर हो सकता है आपको थोड़ा सा कंटेंट टफ लगे, ठीक है, लेकिन मैं उस सिंपल कंटेंट को नहीं पढ़ाना चाहता, ठीक है, उसको भी पढ़ाता हूँ, ऐसा नहीं कि वो सब नहीं पढ़ाता, उसको भी पढ़ाता हूँ, लेकिन मैं ज्यादा फोकस करता हूँ जो टफेस्ट कंटेंट होते हैं उस पर, क्योंकि आपके पेपर में टफी चीजें लोग नहीं कर पाएंगे, सिंपल चीजें सब कर देंगे, ठीक है। तो उसमें वो ज्यादा आप ये मत समझिए कि हमने सिंपल चीजें ये पूछ लेता, वो जो उन दिवस कब मनाया, हर बार यही पूछता है आपके पेपर में, ठीक है। तो
तो वो सब कर लेते हैं। ये मत कहिएगा जब पेपर निकल के आते हैं तो कहते हैं बड़ा सिंपल पेपर, बहुत सिंपल पेपर आया। सिंपल पेपर नहीं, जो सिंपल पेपर आया वो 10 से 15 क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। और सब क्वेश्चन देखिए, अगर ये अच्छे लेवल के आते हैं तो अच्छे लेवल के क्वेश्चन मैं हमेशा ही पढ़ाने की कोशिश करता हूँ, ठीक है। तो ये मिलान रेशम वस्त्र के तुरिन मोटर वाहन बेनिस कांच निर्माण उद्योग और को घाटी इटली में है, ठीक है। और मैं हमेशा आपसे कहता हूँ एक स्टैंडर्ड चीजें पढ़ा करिए, ठीक है, वही आपको मेरिट में ला सकता है, ठीक है। ईरान, जो ईरान में अबादान है, ठीक है, ईरान में जो अबादान है ये तेल शोधक कारखाने के लिए प्रसिद्ध है, ठीक है। अबादान तेल शोधक कारखाने के लिए प्रसिद्ध है। अब देखिए, जापान में तीन चीजें याद रखेंगे, तीन एरिया, नगोया, ओसाका और याकोहामा, यही तीनों बार बार पूछा जाता है। तो नगोया, ठीक है, नगोया ऑटोमोबाइल में, ओसाका सूतिर वस्त्र में और याकोहामा जलपोत निर्माण के लिए प्रसिद्ध है, ठीक है। तो जापान के तीन इंडस्ट्रियल एरिया कौन देखेंगे, नगोया, ओसाका, याकोहामा, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। नगोया याद रखिएगा, ओसाका, याकोहामा, ठीक है। तो ये सूती वस्त्र, ये जल पोत निर्माण, याकोहामा किसके लिए, जल पोत निर्माण। तो ऑटोमोबाइल, सूती वस्त्र और जल पोत निर्माण के लिए ये तीनों प्रसिद्ध हैं, ठीक है। मतलब तीनों नहीं, ये जल पोत निर्माण के लिए सिर्फ याकोहामा है, ओसाका सूती वस्त्र के लिए, नगोया ऑटोमोबाइल के लिए। कोई भी ट्रिक बनाइए लेकिन इसको याद रखिएगा तीनों, ठीक है। अब देखिए, दक्षिणी न्यू इंग्लैंड, ये दक्षिणी न्यू इंग्लैंड कहाँ पे पड़ता है, तो दक्षिणी न्यू इंग्लैंड आपका पड़ेगा ये अमेरिका में। एक बार पूछ लिया गया था कि दक्षिणी न्यू इंग्लैंड कहाँ पड़ता है, तो हो सकता है कुछ लोग इंग्लैंड लगा दें, लेकिन इंग्लैंड में नहीं, दक्षिणी न्यू इंग्लैंड आपको पड़ता है अमेरिका में, ये याद रखिएगा, यूएसए में, ठीक है, यूएसए में पड़ता है। अब देखते हैं, अब जब अमेरिका बात करूं तो लगभग आप यूएसए ही समझ जाया करिए, नहीं तो आप अमेरिका, तो क्योंकि अगर नॉर्थ अमेरिका तो 3-4 कंट्री आ जाते हैं उसमें, ठीक है। तो याद रखिए, दक्षिणी न्यूजीलैंड यूएसए में पड़ता है। अब देखिए, हवाना में कई बार पूछा जाता है, ठीक है, यही कई बार के सिगार उद्योग कहाँ के लिए प्रसिद्ध है, तो सिगार उद्योग कहाँ के लिए प्रसिद्ध है, क्यूबा, ठीक है, क्यूबा याद रखेंगे, सिगार उद्योग प्रसिद्ध है, ठीक है, ठीक, याद रखेंगे, सिगार उद्योग किसके लिए, ये क्यूबा, हवाना, ठीक है। कैसे याद रखेंगे, जैसे क्या होता है, जो सिगार लोग पीते हैं, सिगार वाला, सिगार से याद रख लीजिए, सिगार जो पीते हैं क्या होता है, हवा, मतलब सिगार पीते हैं, इसके बाद जो माउथ होता है उससे क्या निकलते हैं, थोड़ा सा हवा निकालते हैं, ठीक है, थीके? तो मतलब जो वाइट वाइट होता है सिगार, ऐसे समझ लीजिए, तो हवाना सिगार ऐसे, ठीक है, कोई भी ट्रिक बना के याद कर लीजिए, ठीक है। अब देखिए, ब्यूनस आयर्स जो अर्जेंटीना का है वो जल पोत निर्माण के लिए प्रसिद्ध है, क्या है, ब्यूनस आयर्स जो अर्जेंटीना का है जल पोत निर्माण के लिए प्रसिद्ध है, ये याद रखेंगे। आई होप यहाँ पर सभी हो गया होगा, ठीक है। एक बार मैं फिर से बता देता हूँ, बर्गिंघम किसके लिए, जल पोत निर्माण के लिए, डूंडी जो यूके में है जूट वस्त्र उद्योग के लिए, शेफील्ड यूके में है कटलरी उद्योग के लिए, स्टॉकहोम स्वीडन का, ये जल पोत निर्माण के लिए। अब देखिए, ये नगोया ऑटोमोबाइल के लिए, ठीक है, नगोया ऑटोमोबाइल, ओ साका, साका, ठीक है, तो सूती वस्त्र के लिए, ठीक है, और यहाँ याकोहामा जलपोत निर्माण के लिए, अबादान, अबादान, ठीक है, तो ये तेल शोधक, कई बार क्वेश्चन पूछा गया था अबादान कहाँ पे है, अबादान ईरान में है और तेल शोधन के लिए प्रसिद्ध है, ठीक है। ब्यूनस आयर्स अर्जेंटीना जलपोत निर्माण के लिए, बेनिस पो घाटी, इसमें यही सिर्फ पो घाटी में पूछा गया था, ये भी इंडस्ट्रियल एरिया है, कि पो घाटी कहाँ पर है, तो पो घाटी इटली में है, तुरिन, बेनिस, मिलान, ठीक है। और यहाँ पर देखिए, हवाना सिगार उद्योग के लिए दक्षिणी न्यू इंग्लैंड यूएसए के लिए, आई होप आपको याद हो रहा होगा, प्लीज आपको अगर लगे कि याद हो रहा होगा प्लीज तभी आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, ठीक है। अब यहाँ पर देखते हैं ये, अब यहाँ पे कौन कौन सा एरिया देखते हैं, बेल्जियम का, बेल्जियम का बहुत बार पूछा गया एंटी वर्प, ठीक है, एंटी वर्प पूछा गया है कई बार, तो एंटी वर्प किसके लिए प्रसिद्ध है, तो एंटी वर्प हीरा प्रसंस्करण के लिए प्रसिद्ध है, याद रखिएगा, हीरा डायमंड, ठीक है, तो याद रखिए एंटी वर्प किसके लिए, हीरा प्रसंस्करण के लिए प्रसिद्ध है ये क्या, बेल्जियम का एंट वर्प, ठीक है, एंट वर्प कई बार पूछा है। कोपेनहेगन, ये याद रखिएगा, जो डेयरी उद्योग है डेनमार्क, वैसे भी जब दिमाग में आता है तो डेयरी उद्योग वहाँ का सबसे प्रचलित, पूरे विश्व का डेयरी उद्योग सबसे ज्यादा डेनमार्क का ही प्रसिद्ध है, तो डेनमार्क के दो चीजें याद रखेंगे,
एक कोपेनहेगन याद रखेंगे डेयरी उद्योग के लिए, और ग्लासगो ये यहाँ स्कॉटलैंड का याद रखेंगे, ठीक है, ये डेनमार्क का नहीं है, ये ग्लासगो स्कॉटलैंड का है पोत निर्माण के लिए। तो डेनमार्क का सिर्फ यही याद रखेंगे कोपेनहेगन, और ग्लासगो स्कॉटलैंड का याद रखेंगे, ये पोत निर्माण के लिए प्रसिद्ध है। तो इस ग्लासगो स्कॉटलैंड पोत निर्माण और कोपेनहेगन डेयरी उद्योग, ठीक है। अभी इसको पढ़ने के बाद आप क्वेश्चन करिएगा, देखिए हर क्वेश्चन आपका हो जाएगा। हैमिल्टन कनाडा में है, ठीक है, कहाँ पे है, इंडस्ट्री एरिया हैमिल्टन कहाँ पे है, कनाडा में है, ये भी याद रखेंगे। अब देखिए मराकाइबो, मराकाइबो वेनेजुएला का एक प्रांत है, मराकाइबो जहाँ तेल शोधन कारखाना सबसे ज्यादा, अगर तेल का रिजर्व कहीं पर है यहीं पर है, कहाँ पे, मराकाइबो में तेल शोधन कारखाना है, ठीक है, क्या है, तेल शोधन कारखाना वेनेजुएला में मराकाइबो, ठीक है, ये याद रखेंगे। अब यहाँ पर देखते हैं एमस्टम नीदरलैंड जलपोत निर्माण, एमस्टम किसके लिए, तो ये जलपोत निर्माण के लिए प्रसिद्ध है, ठीक है। तो यहाँ पर हमने चार चीज पांच चीजें देखे हैं, कोपेनहेगन एंटवर्प ग्लासगो पोत निर्माण, ठीक है, हैमिल्टन कनाडा में है, वेनेजुएला में तेल शोधन, ठीक है। तो यहाँ पर मतलब तेल बहुत ज्यादा होता है, लेकिन क्या करते हैं, अमेरिका ने इतना सेंक्शन इस पर लगा दिया है कि अपना तेल ये चाहकर भी बेच नहीं सकता, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर साओ पालो, ठीक है, साओ पालो ये ब्राजील में काफी उद्योग के लिए प्रसिद्ध है, क्या है, काफी उद्योग के लिए साओ पालो प्रसिद्ध है, ठीक है, ये याद रखेंगे। अब देखिए इधर देखते हैं, अब देखिए लेनिनग्राद सेंट पीटर्सबर्ग, ये कहाँ पर है, रूस में है, ये पोत निर्माण के लिए। अब देखिए लेनिनग्राद कभी कभी आपको वस्त्र, लेकिन आपके घटना चक्र में जो क्वेश्चन पूछा गया था वो पोत निर्माण के बारे में ही पूछा गया था, तो लेनिनग्राद जो सेंट पीटर्सबर्ग है वो पोत निर्माण के लिए, कभी कभी आप याद रखेंगे, अगर पोत निर्माण ना आए तो वस्त्र भी याद रखिए, क्योंकि जो आप कभी कभी आप सुने होंगे जब कपड़े की दुकान पर जाते होंगे तो वहां पर लिखा होगा लेनिन का कपड़ा, लेनिन, वो जो लेनिन का कपड़ा है यहीं से आता था, ठीक है। आप अगर मांगेंगे कि हमको लेनिन कपड़ा दीजिए तो वो काफी मतलब सॉफ्ट होता है, सिल्की होता है, ठीक है, तो वो जो काफी महंगा भी आता है, ठीक है, लेनिन का कपड़ा, ठीक है। तो लेकिन जो आपके पेपर में पूछा गया था लेनिनग्राद, ये पोत निर्माण के लिए प्रसिद्ध है, ठीक है, तो ये याद रखिए सेंट पीटर्सबर्ग में लेनिनग्राद, ठीक है। अब देखिए गोरनाया सोरिया लौह अयस्क भंडार की, ये भी रूस में है, गोरनाया सोरिया किसके लिए, गोरनाया सोरिया लौह अयस्क भंडार के लिए ही प्रसिद्ध है। कहिन प्रदेश या कांटो मैदान, कहिन प्रदेश या कांटो मैदान ये किसके लिए प्रसिद्ध है, ये जापान में है, ठीक है, कांटो मैदान और कहिन प्रदेश, इसमें सिर्फ यही पूछा गया था कहिन प्रदेश कहाँ पर है, कांटो मैदान कहाँ पर है, ठीक है, तो ये कहाँ पर है, ये देखिए इसमें इसलिए इंडस्ट्री नहीं देता क्योंकि हो सकता है यहाँ पर कई इंडस्ट्री हो, ठीक है, तो एक उठा कर नहीं दिया, तो सिर्फ यही दो तीन बार यही पूछा गया है कांटो मैदान कहाँ पर है, तो कांटो मैदान जापान में है, कहिन प्रदेश जापान में है, ठीक है, तो याद रखिए ये इसमें सिर्फ यही देख लीजिएगा कहिन प्रदेश कहाँ पर है, जापान में, कांटो मैदान कहाँ पर है, जापान में, ठीक है। और यहाँ पर साओ पालो बता दिया ब्राजील में कॉफी के लिए प्रसिद्ध है, वेनेजुएला का मराकाइबो तेल शोधन के लिए, मेजड्रम ये जल पोत निर्माण के लिए, बेल्जियम एंटवर्प, एंटवर्प हीरा पसंद, कोपेनहेगन डेयरी, ग्लासगो पोत निर्माण, हैमिल्टन कहाँ पर है, कनाडा में है, ठीक है, और लेनिनग्राद पोत निर्माण, ठीक है, तो ये सब याद रखिएगा यहाँ पर, ठीक है। तो अभी हमने क्या बताया, तीन मैप में हमने जितना भी दिखाया है, अगर इतना हम याद रखते हैं आप, इसी मैप से आपके क्वेश्चन आ जाएंगे। प्लीज पेपर देख के आइएगा, जरूर मिलाइएगा इस पीडीएफ से, ठीक है, आपको मिलेगा, मैं 100% कर रहा हूँ, यहीं से क्वेश्चन आपके पेपर में, पीसीएस चाहे बीपीएससी हो, बीपीएससी का पेपर अभी नजदीक ही है, जरूर आके आइए आप, मिलाइएगा पेपर इससे, ठीक है। अब देखते हैं यहाँ पर पोत निर्माण केंद्र और राज्य, देखिए कोई भी टीचर ऐसा नहीं कहता कि मेरे से मिलाइएगा, देखिए मैं हमेशा कहता हूँ अगर मैं टफ चीजें पढ़ा रहा हूँ तो मुझे कॉन्फिडेंस होता है कि आप वहां से आ ही जाएगा, ठीक है, हाँ थोड़ा सा घुमा के पूछ लेगा, लेकिन उसके लिए आपको थोड़ा सा रिवीजन ज्यादा करना पड़ेगा, अगर घुमा के पूछेगा तो रिवीजन पर बेस रहेगा कि आप क्वेश्चन कर सकते हैं कि नहीं, ठीक है। तो यहाँ पर देखते हैं पोत निर्माण केंद्र और राज्य, तो देखिये ह्यूस्टन, ह्यूस्टन
ये पोत निर्माण केंद्र जो ह्यूस्टन है वो टेक्सास प्रांत में पड़ता है, ठीक है। राज्य कौन सा है? टेक्सास है, वहीं पर ह्यूस्टन है, यहीं पर पोत निर्माण केंद्र है। मेरीलैंड ये भी यूएसए में है, लुजियाना ये भी यूएसए। अब देखिए ऐसे ऐसे क्वेश्चन अगर आप सोचेंगे मैं ऐसे ही पढ़ा रहा हूँ, नहीं पढ़ा रहा हूँ ऐसे, ये आरओ 2016 में क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है। तब क्वेश्चन पढ़ाने का मतलब क्या है, यही क्वेश्चन। अब ये क्वेश्चन ये मत समझिएगा ये सिंपल है, ये बहुत टफ क्वेश्चन है, ठीक है। आपको अपने देश का राज्य के क्षेत्र याद ही नहीं होता कि दूसरे देश के राज्य का क्षेत्र बता दे रहा है, ठीक है, वो भी अमेरिका का, ठीक है। तो याद रखेंगे टेक्सास, मैरीलैंड, लुजियाना, ठीक है, ये यूएस के क्षेत्र हैं। यहीं पर स्पायरो जो पॉइंट है, न्यू ऑरलियंस है और ह्यूस्टन, यहाँ पर पोत निर्माण केंद्र होता है, ठीक है। इसको क्वेश्चन आयोग ने इसलिए दिया होगा कि ताकि कोई भी ना कर पाए, ठीक है। तो याद रखेंगे कौन सा, टेक्सास, ह्यूस्टन पोत निर्माण है, मेरीलैंड में रोज पॉइंट है, पोत निर्माण केंद्र है, न्यू ऑरलियंस है, पोत निर्माण केंद्र है, ठीक है। 2016 में क्वेश्चन आया है, अगर इस क्वेश्चन को आप कर देते हैं आपकी रैंक बहुत अच्छी होती है, ठीक है। अब देखिए कोयला क्षेत्र देश, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर कुजबास, रेड बेसिन, ब्रिस्टल, न्यू साउथ वेल्स, ये तो सिंपल ही आया था, ये देखिए कहाँ पर आया, 2013 में आया था ये क्वेश्चन, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए यूपीपीएससी मेंस का क्वेश्चन है। अब देखिए कुजबास कहाँ पड़ता है, तो रूस में, हमने पिछले वीडियो में बता दिया है कुजबास रूस में। जो लोग पिछला वीडियो नहीं देखे हैं सभी 21 वीडियो पूरा देख लीजिए, आपका नेक्स्ट लेवल का वर्ल्ड ज्योग्राफी हो जाएगा, ठीक है। तो कुजबास कहाँ है, रूस में है। रेड बेसिन कहाँ पर है, चाइना में है। रेड बेसिन कहाँ पर है, चाइना में, कैसे याद करेंगे, चाइना का जो झंडा होता है वो रेड कलर का होता है, ऐसे याद कर लीजिए। तो रेड बेसिन कभी भी आए जाए चाइना में याद रखें, कुजबास रूस में। ब्रिस्टल क्या याद रखेंगे, यूनाइटेड किंगडम, यूके में ब्रिस्टल, ठीक है। और न्यू साउथ वेल्स इसको पता ही होगा, ऑस्ट्रेलिया में होगा, ठीक है। तो ये कोयला क्षेत्र है और ये देश है, ठीक है। तो ये इनको याद रखेंगे, कोयला क्षेत्र और देश, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर औद्योगिक क्षेत्र और देश, देखिए जापान में किनकी, ठीक है, जापान में याद रखिएगा औद्योगिक क्षेत्र कौन सा है, किनकी है, ठीक है। और ये दो अभी और पढ़े थे, काहिन प्रदेश और कांटो मैदान, ठीक है, ये भी औद्योगिक प्रदेश है, काहिन प्रदेश, कांटो मैदान और किनकी, ये तीनों तो याद ही रखेंगे। किनकी जापान में औद्योगिक क्षेत्र है और ये यहाँ पर कांटो मैदान, काहिन प्रदेश, ठीक है। अब देखते हैं कैंटन, कैंटन कहाँ पर है, चाइना में पड़ता है, ठीक है। कैंटन कहाँ पर, चाइना। लॉरेन, इतनी बार क्वेश्चन पूछा गया है फ्रांस, लॉरेन, ठीक है। तो लाइन लॉरेन याद रखिएगा फ्रांस का है, ठीक है। तो याद रखिएगा कौन सा, लॉरेन, ये फ्रांस, ठीक है। याद रखेंगे क्या, लॉरेंस फ्रांस, ठीक है। कई बार ये क्वेश्चन पूछा, प्लीज आप इसको याद ही करिए, लॉरेन फ्रांस, ठीक है। याद ही हो गया होगा, हम 2-3 दिन से यही पढ़ा रहे हैं, ठीक है। तो लॉरेन फ्रांस। बेले हॉरिजॉन्टले ये ब्राजील में है। तो यूपीपीएससी प्री 2016 में क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है। तो याद रखेंगे ये किनकी जापान में, कैंटन चीन में, लॉरेन फ्रांस में, बेले हॉरिजॉन्टले ये ब्राजील में पड़ता है, ठीक है। 2016 का क्वेश्चन है। आप देखिए यहाँ पर लॉरेन औद्योगिक प्रदेश कहाँ पर, ये देखिए आप देखिए यहाँ 2016 में पूछा गया है प्री में 2000, और ये आईओपी आरओ में 2016 में री एग्जाम में ये पूछा गया है, ठीक है। तो मैं कहता हूँ अगर आप पीसीएस पढ़ रहे हैं तो उसका क्वेश्चन उसमें आता है, उसका क्वेश्चन उसमें आता है, क्योंकि दोनों लोक सेवा आयोग ही बनाता है आपका पेपर, ठीक है। देखिए लॉरेन औद्योगिक क्षेत्र फ्रांस में है। रूर औद्योगिक प्रदेश कहाँ पर, जर्मनी, ये तो आपको पता होगा। रूर कहाँ पर, जर्मनी में है। ब्रिस्टल औद्योगिक प्रदेश कहाँ पर, यूनाइटेड किंगडम। रूर में कोयला बहुत अच्छे पैमाने पर प्रोडक्शन होता है रूर में। ब्रिस्टल औद्योगिक प्रदेश यूनाइटेड किंगडम में। अब देखिए ये क्वेश्चन कहाँ, 2016 में आरओ में, और यूपीपीएससी मेंस में क्वेश्चन पूछा गया था ब्रिस्टल यूनाइटेड किंगडम में। ये देखिए आपको मैं दिखाता हूँ, ये देखिए ब्रिस्टल कहाँ है, यूनाइटेड किंगडम में यहाँ पूछा गया है। और यहाँ पर क्या है, ब्रिस्टल औद्योगिक प्रदेश यहाँ यूनाइटेड किंगडम में, ये 2016 में। अगर प्रीवियस ईयर ये पढ़े हैं तो ये इसमें आ रहा है, ठीक है। तो इसीलिए सब कुछ आप पढ़ा करिए, ठीक है, जो लोक सेवा आयोग द्वारा कोई भी पेपर बनाया जाता है, ठीक है, चाहे वो GIC UPPCS GIC का जो पेपर होता है उसको भी पढ़ा करिए, वहां से भी क्वेश्चन आता है। अब देखिए सैक्सोनी औद्योगिक प्रदेश ये जर्मनी में पड़ता है, सैक्सोनी औद्योगिक प्रदेश जर्मनी में पड़ता है, ठीक है। अब चलते हैं यहाँ पर ऊन का सबसे बड़ा उत्पादक, तो चाइना है, ऑस्ट्रेलिया है और न्यूजीलैंड है ऊन का सबसे बड़ा उत्पादक, ठीक है। ऊन वस्त्र उद्योग केंद्र कहाँ है, तो भोपरताल जर्मनी में है ऊन वस्त्र उत्पादक केंद्र, ठीक है।
तो ऊन वस्त्र उत्पादक केंद्र, यही पूछा गया था आपके पेपर में कि भुपरताल जर्मनी जो भुपरताल है ये किस लिए प्रसिद्ध है, तो ऊनी वस्त्र उद्योग के लिए प्रसिद्ध है और है कहाँ, ये जर्मनी में है। ऊन का सबसे बड़ा उत्पादक चाइना है, ठीक है, अभी तो शायद यही है चाइना ही, दूसरे पे ऑस्ट्रेलिया है, इसके बाद न्यूजीलैंड, ठीक है। सूती वस्त्र उत्पादन में चाइना सबसे नंबर एक पे है, हमारा प्यारा भारत दूसरे पे है, दूसरे स्थान पे है। तो सूती वस्त्र उत्पादन में चाइना एक पे है, हमारा प्यारा भारत दूसरे स्थान पर है, ठीक है। अब देखिए चीनी का कटोरा ये क्यूबा में पड़ता है, चीनी का कटोरा कहाँ पे पड़ता है, ये सॉरी पड़ता नहीं, इसको माना जाता है, ठीक है, कि क्यूबा चीनी को चीनी के कटोरा मतलब वहां गन्ने ज्यादा होंगे, ठीक है, तो चीनी का कटोरा क्यूबा में, चीनी ज्यादा उत्पादन होता होगा, ठीक है, छोटा सा एरिया है लेकिन चीनी वहाँ बहुत ज्यादा होगा, ठीक है। अब देखिए फूट लोज उद्योग ये कैसा उद्योग होता है, जैसे देखिए जब भी फूट लोज उद्योग आए, जैसे आपको कोई भी सॉफ्टवेयर लेना है, ठीक है, तो आप क्या करते हैं यहाँ से बंगलोर से क्या करेंगे, किसी सॉफ्टवेयर कंपनी से कहेंगे हमको वो सॉफ्टवेयर प्रोवाइड कर दीजिए, तो बंगलोर वाली कंपनी क्या करेगी, आपको बंगलोर से दिल्ली सॉफ्टवेयर वाली कंपनी आपको सॉफ्टवेयर प्रोवाइड करेगी, तो इससे क्या होगा, देखिए आपको वैसे ही ऑनलाइन के थ्रू सॉफ्टवेयर आ जाएगा आपके पास, ठीक है, इसमें कोई ट्रांसपोर्टेशन लगा नहीं लगा, ठीक है, तो वही आपको बोल दिया गया है जिसमें फूट लोज उद्योग वो होता है, ऐसे उद्योग को कहते हैं जो परिवहन और संसाधनों से प्रभावित हुए बिना किसी भी स्थान पर स्थित हो सकता है, इसमें से इसकी कीमत पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। तो फूट लोज उद्योग ऐसा उद्योग होता है जो कहीं भी उद्योग ये लगाया जा सकता है, ठीक है, इसमें परिवहन वो सब और ये संसाधन नहीं प्रभावित। एक बार ऐसे क्वेश्चन आ गया था कि जिस पर संसाधनों का ज्यादा प्रभाव नहीं पड़ता है, तो जो इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया होती है, अब जैसे नोएडा में क्या है, इलेक्ट्रॉनिक्स पूरा हब है, अब क्या वहां पर कोई ऐसा थोड़ी है कि वहां पर रॉ मटेरियल निकल रहा है तो वहीं पर बनाया गया, ऐसा तो है नहीं, वहां पर एक इंडस्ट्री एरिया बना दिया गया इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए, इलेक्ट्रॉनिक्स का पूरा क्षेत्र, ठीक है, नोएडा गुड़गांव ये सब देखेंगे एरिया, पूरा इलेक्ट्रॉनिक्स का पूरा हब ही है, ठीक है, या इंडस्ट्री का पूरा हब है, तो वहां पर रॉ मटेरियल ऐसा नहीं कि वहां पर रॉ मटेरियल है इसलिए बना दिया गया, ठीक है, जैसे और कोई इंडस्ट्री होता है, जैसे आप वहां पर देखेंगे ये आप कोयला वाला देखेंगे, चाहे झरिया देखेंगे, धनबाद देखेंगे, तो वहां पर वही सब उद्योग उत्पन्न होंगे, बिजली वाला, बिजली बनाने वाला, वही सब उद्योग वहां पर हो सकता है, ठीक है, तो याद रखेंगे इससे कीमत पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता क्योंकि इसमें रॉ मटेरियल मायने नहीं रखता है, ठीक है, तो ये कंप्यूटर इंडस्ट्री है, ठीक है, तो फूट लूज उद्योग अगर आपसे कोई पूछे तो सिर्फ इतना बताइएगा इसमें परिवहन और संसाधन की ज्यादा मैटर नहीं करता, अगर परिवहन की बात करें तो वो तो ऑनलाइन ही आ जाता सॉफ्टवेयर आपके पीसी में या आपके लैपटॉप में या टेबलेट में कहीं भी इंस्टॉल करना होगा तो ऑनलाइन ही आता है, ठीक है, तो इसमें आप सिर्फ यही याद रखिएगा फूट लूज उद्योग, फूट मतलब ये फूट मतलब पैर, लूज मतलब इसमें काम नहीं है, ठीक है, तो लूज मतलब खत्म होना थोड़ा सा, ठीक है, तो ऐसे याद रख लीजिए। अब देखिए अब ये आईएएस 2013 में क्वेश्चन आया था, खोई में ऊर्जा उत्पादन के लिए जैव मात्रा के ईंधन के रूप में प्रयुक्त किया जाता है, देखिए जो खोई होता है, खोई क्या होता है, जैसे आप अगर देखे होंगे गांव में जो गन्ना की पिराई होती है उसके बाद उसका खोया निकलता है व्हाइट व्हाइट कलर का, ठीक है, जो वो कहता है आईएएस में क्वेश्चन यही पूछा जाता है कि जो ऊर्जा उत्पादन के लिए जैव मात्रा के ईंधन के रूप में उसका प्रयोग किया जाता है, तो हाँ एकदम सही है, उसका प्रयोग ऊर्जा उत्पादन के लिए किया जाता है, और लेकिन हमारे यहाँ क्या किया जाता है, उसको ठंडी में वो मतलब उसका अलाव जलाने के लिए किया जाता है, ठीक है, तो कुछ भी करें उसमें भी, क्योंकि जो गाय होती है या भैंस होती है या मनुष्य ही ठंडी में जब ठंडी लगती है तो उसमें अलाव जलाता है, ठीक है, तो याद रखिएगा, तो उन सबको भी कुछ होता मतलब गर्मी हो जाती है इधर भी, ठीक है, तो याद रखिएगा सीरे को एथेनॉल उत्पादन के लिए प्रयुक्त किया जाता है, जो सीरा होता है उसको एथेनॉल उत्पादन के लिए प्रसिद्ध, उसमें सीरा भी निकलता है, ठीक है, अब वो जब पिराई होती है, तो याद रखिएगा दोनों ही है, थोड़ा सा हमने बता दिया है मतलब एग्जाम्पल लेकर कि अगर आपको थोड़ा सा, अगर कुछ बच्चे नहीं जानते होंगे खोया होता क्या होता है, पिराई क्या होता है, तो गन्ना होता है, अगर आप देखे होंगे शहर में तो गन्ना जिसमें वो आप कहते 10 रुपए 20 रुपए का गन्ने का जूस नहीं पीते लगाते हैं,
वही वाला एरिया होता, वही वाला सिस्टम होता है, लेकिन जो वहां पर होता है गांव में वो बड़े पैमाने पर होता है। और जो ठेले पे लगाते होंगे, जो शहर के बच्चे होंगे उनको बता रहा हूँ, जो ठेले पे लगाते होंगे वो थोड़ा सा छोटा एक मिनी एरिया होता है, ठीक है। तो वही सिस्टम वहां भी होता है, वही यहाँ होता है, सिर्फ वहां पर एरिया का फर्क होता है, ठीक है। तो याद रखिए, अगर कभी गन्ना पीने जाएंगे उसके पीछे खोया निकलता है, ठीक है, तो वही बात यहाँ पे कर रहा है। तो देखिए, आपके जीवन के लाइफ से भी रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाता है, तो हर चीजें ध्यान रखा करिए, सिर्फ किताबी ही भाषा मत याद किया करिए, ठीक है। अब देखिए, कागज लुगदी बनाने हेतु पोपलर का उपयोग किया जाता है। ये भी क्वेश्चन आया था कि कागज लुगदी बनाने हेतु किसका प्रयोग किया जाता है, पोपलर का प्रयोग किया जाता है, ये कई बार पूछा जाता है। जैतून याद रखेंगे, आरओ यार 2021 मेंस में आया था कि भूमध्य सागरीय वन कौन सा नहीं है, तो वहां पर एक ऑप्शन दिया था सागौन, तो सागौन भूमध्य सागरीय वन नहीं, वो उष्णकटिबंधीय या सब ट्रॉपिकल वन है, ठीक है, जो हमारे यहाँ पाया जाता है। हमारे यहाँ एरिया क्या है, उत्तर प्रदेश बिहार का एरिया क्या है, सब ट्रॉपिकल एरिया में आ जाता है, मध्य प्रदेश, यहाँ पर सागौन होता है, हमारे यहाँ सागौन बैठा दीजिए बहुत जल्दी हो जाता है बड़ा, ठीक है। तो यहाँ उसकी लकड़ी बहुत मजबूत होती है और बहुत महंगा बिकता है, ठीक है। भूमध्य सागरीय वन में ओक होता है, चेस्टनट होता है, जैतून होता है, यही तीनों याद रखिएगा, आपका ऑप्शन निगलेक्ट कर देंगे, ठीक है। तो ओक, चेस्टनट, जैतून कई होते हैं, लेकिन जैतून सबसे ज्यादा याद रखिएगा। भूमध्य सागरीय वन कहाँ पर पाए जाते हैं सबसे ज्यादा, तो ये जो एरिया है आपका भूमध्य सागर वाला, जहाँ इटली है, फ्रांस है, स्पेन है, उस एरिया में सबसे ज्यादा ये भूमध्य सागरीय वन पाए जाते हैं। भूमध्य सागरीय वन क्या है, वहां पर जो एरिया होता है उसको विश्व का बगीचा भी कहते हैं, कि अगर पूछा जाए विश्व का बगीचा कौन सा है, तो भूमध्य सागरीय जो एरिया होता है उसी को विश्व का बगीचा बोला जाता है, ठीक है। तो ये याद रखिएगा, ओक, चेस्टनट, जैतून, ये भूमध्य सागरीय बन, ये आपके पीसीएस वो आरओ यारो 2021 में पूछा गया है, ठीक है। अब देखिए, उमलैंड क्या होता है, एक शहर के आसपास का क्षेत्र होता है, मतलब एक मान लीजिए एक शहर है आपका ही पूरा शहर होगा, उस आपके शहर के आसपास का जो क्षेत्र होता है उसको क्या कहते हैं, उमलैंड कहते हैं, याद रखेंगे उसको बोला क्या जाता है, उमलैंड। तो एक शहर के आसपास का क्षेत्र क्या होता है, उमलैंड। ऐसे देखिए, ऐसे ऐसे क्वेश्चन पूछ, जैसे उमलैंड पूछ लिया, ये पूछ लिया, फुटलूज उद्योग, ऐसे भी किसी वर्ड से रिलेटेड क्वेश्चन पूछ लेते हैं, ठीक है। और ये मत समझिए कि ये सिंपल होता है, ये टफ होता है, जब वहां पर प्रेशर दिमाग में होता है तो ये भी नहीं याद आता उमलैंड होता क्या है, ठीक है। तो याद रखेंगे, एक शहर के आसपास का क्षेत्र होता है। यूरोप के तेल की राजधानी के रूप में किसको माना जाता है, तो यूरोप के तेल की राजधानी के रूप में एबरडीन को बोला जाता है। अब पूछा जाए कि यूरोप की तेल की राजधानी क्या है, एबरडीन बताएंगे, ठीक है। संसार का सर्वाधिक व्यस्त महासागरीय मार्ग कौन सा है, उत्तरी अटलांटिक महासागर, ठीक है। अब देखिए, ये थोड़ा सा परिवहन से रिलेटेड है। अब देखिए, कैसे संसार का सबसे व्यस्त, थोड़ी ऐसे सिर्फ मत याद करिए कि उत्तरी अटलांटिक महासागर, उत्तरी अटलांटिक महासागर में थोड़ा सा मैप में दिखा भी देता हूँ, ये है, ठीक है, जहां पर ये आपका ये साउथ अमेरिका है, ऊपर नॉर्थ अमेरिका है, इसके ऊपर आप देखेंगे ये जहाँ पर यह बरमूडा टेंगल रुंगल पड़ता है, ये एरिया, ठीक है, इधर आपका पुर्तगाल पड़ता है, इधर लंदन पड़ता है, ठीक है, यूरोप का एरिया पूरा इधर, ठीक है, इधर मोरक्को रोक्को ये साइड पूरा कर रहा है। तो सब कह रहे हैं सबसे ज़्यादा बेस्ट एरिया है, ठीक है। एक बार मैं उस मैप में भी दिखा देता हूँ ताकि आपको पता चले, ये देखिए ये एरिया आप कह रहे हैं सबसे ज़्यादा बेस्ट एरिया यही पर, यही है जलपोत में, ठीक है, जो मतलब जो शिप जाती हैं सबसे ज्यादा यहीं से बन जाती हैं। कहाँ से पहुंचे थे, संसार का सर्वाधिक व्यस्त महासागरीय मार्ग उत्तरी अटलांटिक महासागर, ये 2014 में दो बार क्वेश्चन पूछ लिया गया था, ठीक है। तो ये देखिए क्यों है, थोड़ा सा ये भी याद रखिएगा क्यों है, क्योंकि आप देखेंगे जितने भी हेडक्वार्टर होते हैं वो न्यूयॉर्क, वाशिंगटन, ये यही सब है, और इस साइड देखेंगे मतलब इस साइड तो न्यूयॉर्क वाशिंगटन में मैक्सिमम हेडक्वार्टर होते हैं, और उस साइड देखेंगे यूरोप में, ठीक है, यूरोप में मैक्सिमम हेडक्वार्टर हैं, बहुत ही कम ही ऐसे हेडक्वार्टर हैं जो बहुत से और से एरिया में है, जैसे एशिया में है, ठीक है, या अफ्रीका में, बहुत ही कम, ठीक है, दो चार, ऐसा नहीं कुछ भी नहीं है, कुछ मिल जाएंगे दो चार, लेकिन जो मैक्सिमम हेडक्वार्टर है यहीं पर। तो किसी को कोई भी काम पड़ेगा किसी से रिलेटेड, या अगर इंडस्ट्री एरिया देखिए सब, ये तो मैं हेडक्वार्टर की बात किया, दूसरा ये होता है सबसे पहले इंडस्ट्री का विकास यहीं पर हुआ, अगर सभी कंपेयर किया जाए सबसे पहले यहीं यूरोप में ही इंडस्ट्रियल एरिया डेवलप हुआ, और यहाँ, ठीक है,
जो उद्योगिक चरण कहते हैं, कि औद्योगिक चरण की शुरुआत यहीं पर हुई, चाहे अमेरिका की बात करें, चाहिए जहां पर उद्योग होंगे वहां पर व्यापार होगा, वहां पर परिवहन ज्यादा होगा, वहां पर व्यस्तता ज्यादा होगी, बस यही याद करिए। इसमें कोई मतलब ज्यादा रॉकेट साइंस नहीं है, सिर्फ इतना याद करिए बस, ठीक है। अब देखिए, एक ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग सबसे बड़ा रेल मार्ग है, ठीक है, दुनिया का। ये देखिए ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग कहाँ से कहाँ तक ये जा रहा है, सेंट पीटर्सबर्ग, मॉस्को, कजान, ठीक है। अब ये पूछेंगे, ये भी पूछा जाता है, एक बार आपके पेपर में पूछ लिया गया है कि जो सेंट पीट ये आपका जो ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग है उसमें कौन सा ऐसा नगर नहीं आता है, ठीक है। नगर ये जितने भी नगर दिए हैं इनको अगर पूरी तरह से ना रट पाए तो थोड़ा सा एक बार दिमाग में रख लीजिए, ताकि वहां पर आप इलिमिनेट कर सकें, ठीक है। तो यहाँ पर एक बार देख लीजिए, ठीक है, मैं इसको जूम करके दिखाता हूँ। ये पूछा गया तभी मैंने यहाँ पे लाया है, नहीं तो मैं ऐसा नहीं है कि हर चीजें मैं आपको याद ही करवा दूंगा, ठीक है। जो चीज पूछी गई वो चीज मैं जरूर यहाँ पे लाता हूँ। तो यहाँ ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग क्या है, सेंट पीटर्सबर्ग है, मॉस्को, कजान, उफा, चिलियाबिंस्क, ठीक है, और यहाँ ओमस्क, नोवा सर्विस्क, ठीक है, और क्रास नोवास्क, ठीक है, इन सबका नाम भी, अंगारक, चित्ता, ठीक है, खाबा बोरुस्क, ठीक है, ये इस तरह आ जाता है, बाल्टी बोरस, ठीक है। तो ये पूरा याद रखिए, यहाँ कजान जब आपके पेपर में आया था कजान के बारे में पूछ लिया था, ठीक है, और ओमस्क के बारे में पूछ लिया था, ठीक है, कि ये कौन सा पड़ता है, तो तीन चार ऑप्शन दिया था, उसमें एक दिया नहीं दिया था, उसको एलिमिनेट करना था। तो एक बार इसको याद कर लीजिएगा, थोड़ा सा जब मतलब याद मत करिएगा, एक बार देख लीजिएगा, अगर एक दो बार पढ़ लेंगे तो आपको वहां एलिमिनेट कर देंगे, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर राइन नदी, ये आर ओ 2021 में मेंस में क्वेश्चन पूछा गया था, ये देखिए क्या कह रहा है कि राइन नदी पश्चिमी जर्मनी के औद्योगिक गतिविधियों के लिए बहुत महत्वपूर्ण मार्ग है। हाँ ये है। अब देखिए वहां ऑप्शन में क्या दिया था, ये गलत दिया था और ये सही दिया था। गलत क्यों दिया था, यहाँ पर उत्तरी जर्मनी लिखा है, वो पूर्वी जर्मनी, ठीक है, यहाँ पूर्वी जर्मनी लिखा गया था और यहाँ पर मैंने पश्चिमी जर्मनी कर दिया, तो पश्चिमी जर्मनी जब कर दिया तो ये सही हो गया। राइन नदी पश्चिमी जर्मनी की औद्योगिक गतिविधियों के लिए महत्वपूर्ण मार्ग है, ठीक है, तो ये याद रखेंगे। रॉटरडैम बंदरगाह राइन नदी के मुहाने पर स्थित है, ये तो सही है, ठीक है, तो दोनों ही याद रखिएगा। राइन नदी पश्चिमी जर्मनी याद रखिएगा, वहां पर पूर्वी जर्मनी देगा, आप पश्चिमी जर्मनी याद रखेंगे, औद्योगिक गतिविधियों के लिए महत्वपूर्ण मार्ग है, और रॉटरडैम उसका बंदरगाह राइन नदी के मुहाने पर स्थित है, ठीक है, तो ये याद रखेंगे। अब चलते हैं यहाँ पर, देखिए दिल्ली से टोक्यो तक उड़ान भरने के लिए, यहाँ पर अब ये क्वेश्चन नहीं आएगा लेकिन आया था तो मैंने लिख दिया, बैंकॉक जाना पड़ेगा, फिर हनोई जाना पड़ेगा, फिर हांगकांग जाना पड़ेगा, फिर ताइपे जाना पड़ेगा, वहां से आपको कहाँ पे जाना पड़ेगा, ये जापान जाना पड़ेगा, टोक्यो जाना पड़ेगा, ठीक है। तो बैंकॉक, ये अगर आप उड़ान भर रहे हैं तो बैंकॉक, हनोई, हांगकांग, ताइपे, ये तो सिंपल ही होगा क्वेश्चन, क्योंकि अगर आपको मैप पता है तो लगा ही देंगे, ठीक है, किस किस से देश, मतलब आपके घर से यहाँ एक घर है तो बीच में कितने घर पड़ते हैं उसको बताना है, ठीक है। इसमें अब देखिए यूरो सुरंग कहाँ है, इंग्लैंड एवं फ्रांस में यूरो सुरंग पड़ता है, ठीक है। ये आप हो सकता है ये सोच रहे होंगे ये कौन कौन सा, ये विविध वाला है, जो लास्ट में विविध का एक पोर्शन होता है, मिसलिनियस, ठीक है, उसी का ये पोर्शन है, ठीक है, तभी आपको लग रहा होगा ये सब कैसे आ रहा है, ठीक है। तो याद रखिए यूरो सुरंग इंग्लैंड यो फ्रांस, ठीक है, ये देखिए मानचित्रण, हाँ विविध यहाँ भी है, ठीक है, तो याद रखेंगे, ठीक है। तो ये अभी ये सब जो भी अभी क्वेश्चन आएगा एक मतलब टॉपिक से हटके आएगा, एक टॉपिक उसका होगा, एक टॉपिक इसका होगा, तो आप उसमें टेंशन मत लीजिएगा, क्योंकि मिसलिनियस वाला भी हम करवा रहे हैं, ठीक है। अब देखिए स्वेज नहर के जो लेक्स हैं नॉर्थ टू साउथ, ठीक है, याद रखेंगे नॉर्थ टू साउथ, ये कौन कौन से हैं, ये कई बार आपके पेपर में पूछा गया था, आरओ में पिछली बार ही पूछा गया था, ग्रेट टिमसा, ग्रेट बिटर, लिटिल बिटर, ठीक है। तो ये देखिए हमने स्वेज कैनाल बनाया है, अब यहाँ लेक मंजिला है, कैसे याद रखेंगे, लेक मंजिला याद रखें, जो मंजिल होती है सबसे ऊपर होती है, तो ये वाला ऊपर एरिया समझ लीजिए और ये वाला नीचे एरिया समझ लीजिए, तो लेक मंजिला सबसे ऊपर, नॉर्थ टू साउथ बता रहा हूँ, लेक मंजिला सबसे ऊपर, उसके नीचे लेक टिमसा होता है, ठीक है, तो लेक टिमसा है, और लेक बिटर लेक, ग्रेट बिटर लेक, ग्रेट ऊपर होगा, लिटिल नीचे होगा, ठीक है, ऐसे याद कर लीजिए।
कौन सा? मंजिला, टिमसा, ग्रेट बिटर लेक और लिटिल बिटर लेक, ये याद रखेंगे। लेक मंजिला, लेक टिमसा, ग्रेट बिटर लेक, लिटिल बिटर लेक, ये स्वेज नहर के लेक हैं नॉर्थ टू साउथ, ठीक है। तो याद रखेंगे, हमने मैप भी ला दिया है आपके लिए ताकि आपको याद रहे, ठीक है। अब चलते हैं यहाँ पर, जापान का सबसे व्यस्त समुद्र पत्तन कौन सा है? याकोहोमा। सबसे ज्यादा व्यस्त समुद्र पत्तन कौन सा है? याकोहोमा। पोर्ट डायमंड कहाँ पर है? दक्षिण अफ्रीका में पोर्ट डायमंड है। काफी बंदर कहाँ है? अभी हमने बताया सेंटोस में है। ग्वादर पत्तन कहाँ है? पाकिस्तान में, जिसको चाइना के द्वारा ये बनाया जा रहा है, ठीक। ग्वादर पत्तन बंदरगाह, पत्तन मतलब बंदरगाह, ठीक है। पोर्ट ये पाकिस्तान में है। काफी बंदरगाह सेंटोस, पोर्ट डायमंड दक्षिण अफ्रीका में। डायमंड इसलिए क्योंकि हो सकता है यहाँ पर जो डायमंड का जो वो होता है, बहुत ज्यादा मात्रा में डायमंड यहाँ मिलता है, ठीक है, दक्षिण अफ्रीका में। अब देखिए बंदरगाह और देश, रॉटरडैम कहाँ है? नीदरलैंड में। इगारका रूस में, बहुत इंपॉर्टेंट है, इगारका रूस में। मोंटेवीडियो उरुग्वे में पड़ता है। और जकार्ता कहाँ पर? इंडोनेशिया में पड़ता है। तो मोंटेवीडियो उरुग्वे में, ठीक, उरुग्वे की राजधानी ही मोंटेवीडियो है, ठीक है। तो याद रखेंगे इगारका रूस में और रॉटरडैम नीदरलैंड में, ठीक है। अब देखिए ये थोड़ा सा मानचित्रण, एक टॉपिक आप देखेंगे बीच में, ठीक है, मिसलिनियर से और ये नगर ये उद्योग से, इसके बीच में एक टॉपिक है मानचित्र, ठीक है। तो इससे भी एक दो बार क्वेश्चन आ गए हैं, देख लेते हैं, सिर्फ ज्यादा क्वेश्चन नहीं, ये 4-5 क्वेश्चन ज्यादा पूछा गया है। तो यहाँ पर क्या है, आइसोगोनिक लाइंस कौन सी होती हैं? आइसोगोनिक लाइंस, तो आइसोगोनिक लाइन वो होती है जो समान चुंबकीय झुकाव वाली रेखाओं को मिलाती है। अब इसको कैसे याद करेंगे? आइसो मतलब समान और जी मतलब ग्रेविटी या चुंबक, याद रखिएगा ग्रेविटी चुंबक से रिलेट कर लीजिए। तो क्या करेंगे? आइसोगोनिक लाइन। तो जब भी आइसोगोनिक आ जाए तो अब क्या करेंगे? जो समान चुंबकीय झुकाव वाली रेखाएं होती हैं उनको, मतलब चुंबकीय झुकाव वाली रेखाएं होती हैं उनसे, ठीक है, क्योंकि हर जगह चुंबकीय झुकाव सेम नहीं होता है, ठीक है, पृथ्वी पर हर जगह चुंबकीय झुकाव सेम नहीं होता, अलग अलग होता है, ठीक है। तो जो समान मिल जाती है उन्हीं को मिलाने वाली जो लाइन होती है उसी को आइसोगोनिक लाइन कहते हैं, ये याद रखेंगे, आइसोगोनिक लाइन हो गया। दूसरा क्या याद रखेंगे? आइसोबाथ। अब बात इसको क्या याद, कैसे याद करेंगे? जल सतह से समान गहराई के बिंदुओं को मिलाकर खींची जाने वाली रेखा को आइसोबाथ कहते हैं, ठीक है। तो जल सतह से समान गहराई के बिंदुओं को मिलाकर खींची जाने वाली रेखा को आइसोबाथ। अब बाथ क्या है? ये नहाने वाला, याद रखिएगा, बाथ जब भी आ जाए तो जल सतह से समान गहराई, मतलब देखिए जल सतह जो होता है वो कई, मतलब ऐसा नहीं है कि एकदम सेम ही एरिया होता है। आप समुद्र में जाएंगे कहीं कहीं एकदम नीचे हो जाता है, तो कहीं कहीं एकदम थोड़ा सा ऊपर हो जाता है, कहीं ऐसे हो जाता है, ठीक है, कहीं कहीं एकदम पूरा छिछिला ही जल होता है। तो जो एकदम समान लाइन मिला रही है, जल सतह से समान गहराई के बिंदुओं को मिलाकर खींची जाने वाली, तो जल सतह से समान गहराई से मिलाकर जो लाइन खींची जाती है उसे आइसोबाथ है, ठीक है। बात से याद रखिएगा, ये पानी से ही रिलेटेड होगा, अगर कभी भूल जाइएगा, ठीक है। जहां पर गहराई, समान गहराई बिंदु को ये मिलाने वाली खींची जाने वाली रेखा होगी जल सतह में, वही रहेगा। अब देखिए समोच्च रेखा, जैसे क्या होता, समुद्र तल से धरातल के समान ऊंचाई वाले स्थानों को मिलाने वाली रेखा को समोच्च रेखा, काउंटर लाइन कहते हैं। तो समुद्र तल से धरातल के समान ऊंचाई वाले स्थानों को, ठीक है, अगर देखते हैं, ये देखिए मान लीजिए ये आपका पूरा समुद्र है, तो ये धरातल है, तो इसी का जो समुद्र तल देखा जाता है, समुद्र तल से धरातल पर देखा जाता है कौन सी लाइन समान रूप से मिल रही है, ठीक है। मतलब यहाँ पर लिखा ये लिया गया है, समुद्र तल से अगर देखा जाए, समुद्र तल से ये धरातल के समान ऊंचाई वाले स्थानों को मिलाने वाली रेखा को समोच्च रेखा कहते हैं, ठीक है। मतलब उसका जो इनिशियल लिए हैं एरिया, मतलब पॉइंट, वो समुद्र तल लिए हैं, इसके बाद कहाँ नाप रहे हैं, धरातल पर समान चीजें नाप रहे हैं, तो उसको समोच्च रेखा कहते हैं। समुद्र तल से धरातल के समान ऊंचाई वाले रेखाओं को समोच्च रेखा कहते हैं। आइसो हाइट किसको कहते हैं? समवृष्ट कहते हैं, वृष्ट मतलब वर्षा, ठीक है। समान वर्षा की मात्रा को मिलाते हुए खींची जाने वाली रेखा को समवर्षा या आइसो हाइट कहते हैं, ठीक है। ये सभी क्वेश्चन पूछा गया है, जैसे
आपके यहाँ कितनी बारिश हुई, थोड़ा सा और एरिया में कितनी बारिश हुई, और एरिया में कितना है? तो देखा जाता है बारिश की मात्रा कहाँ कहाँ पे ऐसे होता है, ठीक है। तो ऐसे क्या होता है, आपका मौसम का अनुमान भी लगाया जाता है, ठीक है। तो आइसो हाइट क्या होता है, समान वर्षा की मात्रा को मिलाते हुए खींची जाने वाली रेखा को सम वर्षा या सम आइसो हाइट कहते हैं। क्या कहते हैं? सम वर्षा रेखा या आइसो हाइट कहते हैं। अब आइसो हेलाइन क्या कहते हैं, नमक से संबंधित है। अब देखिए, महासागरों की समान लवणता वाले स्थानों को मिलाने वाली रेखा, महासागर में देखिए लवणता क्या होता है, अलग अलग स्थानों पर होता है, अलग अलग, ठीक है। ये नहीं कि सभी स्थानों पर एक होते, जैसे आप इक्वेटर के पास जाएंगे तो वहां पर लवणता बहुत ज्यादा होती है, ठीक है, या कर्क रेखा के पास जाएंगे तो वहां पर लवणता ज्यादा होती है, और उच्च स्थान पर जाएंगे जैसे 45-60 यहाँ पर जाएंगे तो थोड़ा सा लवणता कम होती है। तो जहां पर लवणता समान मिल जाती है उसे आइसो हेलाइन कहते हैं, ठीक है। सैलिनिटी जहां पर समान मिल जाती है उसको, उस रेखा को आइसो हेलाइन कहते हैं, ये याद रखेंगे। अब देखिए यहाँ पर विविध में देखते हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन कहाँ, IAS 2013 में क्वेश्चन पूछा गया था, ये एकदम सिंपल क्वेश्चन है। संसार में सर्वाधिक मत्स्य क्षेत्र उन क्षेत्रों में पाए जाते हैं जहां पर कोल्ड करंट और वार्म करंट मिलते हैं। यहाँ पर देखते हैं, ये देखिए ग्रेट बैंड में, ठीक है, यहाँ पर क्या है, गल्फ स्ट्रीम है और लेबराडोर है, यहाँ पर ग्रैंड बैंक है, ठीक है। ग्रैंड बैंक में यहाँ पर क्या होता है, बहुत बड़ी मात्रा में मत्स्य का उत्पादन होता है, मछलियाँ यहाँ होती है, ठीक है। क्योंकि जब कोल्ड करंट आते हैं, मिलते हैं, तो वहाँ पर कई प्रकार की घासें उग जाती हैं, ठीक है, और प्लैंकटन उग जाते हैं जिसको खाने के लिए मछलियाँ वहाँ पर एकत्र होती हैं, इसलिए यहाँ पर मत्स्य का एरिया डेवलप हो जाता है। तो एक बात याद रखिएगा, जहाँ पर कोल्ड करंट और मतलब वार्म करंट, ठीक है, ये दोनों जहाँ मिलेंगे वहाँ पर मत्स्य का क्षेत्र ज़्यादा विकसित होगा। जैसे आप यहाँ पर देखते हैं, आप जापान में भी आप देखे होंगे, जापान के लोग बहुत मछली खाते हैं, ठीक है। तो वहाँ पर मछली खाने का ये नहीं मतलब कि वहाँ मकसद है कि वहाँ पर मछली ज़्यादा खाया जाता है, वहाँ पर मिलता है तो ज़्यादा खाते हैं। कैसे मिलता है, वहाँ पर दो जलधारा है, ओयोसियो क्यूरोसियो, जो क्यूरोसियो है वार्म करंट है, ओयोसियो जो वो ठंडा करंट है, ठीक है। अब जो दोनों ही धाराएं हैं जब मिलती हैं तो जापान का जो एरिया होता है वहां पर एक, जैसे यहाँ ग्रैंड बैंक के पास डेवलप हो जाता है मछली का एरिया, वैसे वहां पर एक मछली उत्पादन का बहुत बड़ा एरिया डेवलप हो जाता है। अब जब डेवलप हो गया तो वहाँ मछली मिल रही है, मछली का व्यापार बढ़िया कर रहा है जापान, और क्या कर रहा है, वहां पर उसको अपने भोजन में भी ले रहा है, ठीक है। तो याद रखिएगा, जहां भी यहाँ, ये IAS 2013 में सिंपल ही क्वेश्चन था, मैं ये नहीं कहूंगा ये बहुत टफ क्वेश्चन है, ठीक है। अब देखते हैं ग्रैंड बैंक, ग्रैंड बैंक उत्तरी अमेरिका के पूर्वी तट पर स्थित है। ये क्वेश्चन पूछा गया था, ग्रैंड बैंक कहाँ पर है, उत्तरी अमेरिका के पूर्वी तट पर, ये अटलांटिक ओशियन है ना, इसी को नॉर्थ अटलांटिक ओशियन, यहीं पर स्थित है। तो उत्तरी अमेरिका के पूर्वी तट पर स्थित है। अब देखिए यहाँ पर भूगोल में नव नियतिवादी नियो डिटर्मिनिज्म का प्रतिपादन ग्रिफिथ टेलर ने किया था, ये भी क्वेश्चन आया था पेपर में। अब विविध वाला है, थोड़ा सा अलग अलग टाइप के क्वेश्चन होंगे, तो आप ये मत सोचिएगा ये वाला कहाँ से आ गया क्वेश्चन, ठीक है। मतलब इसमें जितना भी पूरा आप पढ़े होंगे, आधे क्वेश्चन तो मैंने स्किप भी कर दिया क्योंकि वो क्वेश्चन बार बार वही आ रहा था, ठीक है, तो मैंने उसको हटा ही दिया, ठीक है, क्योंकि पिछला पूरा उसी तरह पढ़ा चुका हूँ, लेकिन जो क्वेश्चन नए मिले थे उनको हमने यहाँ पर ले लिया है। जे.ई. स्पेंसर और W.L. थॉमस 11 सांस्कृतिक क्षेत्रों में विभाजित किया गया है, ठीक है। याद रखिएगा, जे.ई. स्पेंसर और W.L. थॉमस ने क्या किया है, भूगोल को 11 सांस्कृतिक क्षेत्रों में विभाजित किया है। ऐसे से भी क्वेश्चन पूछते हैं, अब ये मत सोचिएगा ये सिंपल क्वेश्चन है, ये आपका मेंस का क्वेश्चन है। जब जो बच्चे जिनका मेंस होगा, मतलब ऑप्शनल होगा ज्योग्राफी, वहां से क्वेश्चन ये ले लिया गया है, ठीक है। जे.ई. स्पेंसर एंड W.L. थॉमस 2016 में क्वेश्चन आया था, 11 सांस्कृतिक क्षेत्रों में विभाजित किया किए हैं, ठीक है। मधेसी नेपाल से हैं, रोहिंग्या म्यांमार में पाए जाते हैं, और कुर्द ईरान इराक तुर्की सीरिया यहाँ पर पाए जाते हैं। क्या ये आपके ईरान इराक तुर्की सीरिया में कुर्द पाए जाते हैं, रोहिंग्या म्यांमार में, मधेसी नेपाल में, ये तो पता होगा, सिंपल है, IAS 2016 का क्वेश्चन है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर समुद्री मील और भौमिक मील, यही क्वेश्चन पूछा गया था, ये IAS का क्वेश्चन है, पूछा गया था कि समुद्री मील की दूरी ज्यादा होती है कि आपका भौमिक मील की दूरी ज्यादा होती है, ठीक है, जो स्थलीय मील लैंड वाला मील होता है, ठीक है, उसकी। तो
समुद्र बड़ा है, स्थल छोटा है, समुद्र तो बहुत ज्यादा है, लगभग 70-72 एरिया% एरिया पर समुद्र ही है और भूम तो छोटा ही है। तो ऐसे ही याद कर लीजिए, एक समुद्री मील कितना होता है, 1852 मीटर होता है। ठीक है, याद रखिएगा, एक समुद्री मील कितना होता है, 1852। ठीक है, अब देखिए अगर भौमिक मील की देखें, स्थलीय दूरी मापने की जो ये इकाई है, जैसे ये समुद्र की दूरी मापने की नॉटिकल माइल है समुद्री मील, ऐसे भौमिक मील मापने की स्थलीय दूरी मापने की इकाई होती है। तो ये एक भौमिक मील 1609 मीटर होता है। तो दोनों याद रखिएगा, वहां पर क्वेश्चन क्या दिया था कि भौमिक मील की दूरी ज्यादा होती है और ये समुद्री मील की कम होती, तो वो आपको गलत लगाना था। तो मैंने यहाँ बता दिया कितना कितना होता है, तो आप अब लगा देंगे कि समुद्री मील की दूरी ज्यादा होती है, इसकी कम होती है। ठीक है, अब देखिए हर मटन यहाँ पर शुष्क एवं धूल भरी हवाएं होती, उसी में दिया था ऑप्शन, कई स्टेटमेंट दिए थे कि शुष्क और धूल भरी हवाएं होती हैं, गिनी की खाड़ी के तट पर बहती हैं। ठीक है, याद रखिएगा अफ्रीका के गिनी की खाड़ी जो तट है वहीं पर यह बहती है। अब देखिए यहाँ पर आइबेरिया प्रायद्वीप के बारे में पूछा गया था कि आइबेरिया प्रायद्वीप में कौन कौन से आते हैं, तो आइबेरिया प्रायद्वीप में स्पेन आता है, पुर्तगाल आता है, इंडोरा आता है। अब देखिए यहाँ पर यह लिखा गया है स्पेन पुर्तगाल, ये प्रायद्वीप मतलब क्या होता है, जो तीन तरफ से जल से घिरा होता है वही प्रायद्वीप कहलाता है, और जो पूरी तरह से जल से घिरा होता है वो द्वीप, छोटा होगा तो द्वीप, बड़ा होगा तो महाद्वीप कहलाएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ तो घिरा नहीं है, यहाँ पर तो लैंड हो रहा है, लेकिन इस साइड देखेंगे पूरी एरिया घिरा है, नीचे गिरेगा इधर घिरा है, तो ये प्रायद्वीप हो जाता है। जैसे अपना प्यारा भारत एक प्रायद्वीप है, प्यारा भारत क्या है, इधर घिरा है, इधर घिरा है, इधर घिरा है, ठीक है, इधर नहीं घिरा है, तो ये हमारा प्यारा भारत क्या है, प्रायद्वीप है। तो देखिए स्पेन क्या है, यहाँ पर आइबेरिया प्रायद्वीप में स्पेन आता है, एंडोरा आता है, याद रखेंगे एंडोरा आता है या इंडोरा, पुर्तगाल आता है। ठीक है, और ये जिब्राल्टर याद रखेंगे, ये कई बार पूछ लिया गया है, जिब्राल्टर किसका टेरिटरी है, ठीक है, ये समुद्री क्षेत्र है किसका, ब्रिटिश का। ठीक है, तो यूनाइटेड किंगडम का, यूके का ही ये क्षेत्र है जिब्राल्टर। ठीक है, जिब्राल्टर जल संधि पड़े होंगे कि मेडिटेरियन सी से नॉर्थ अटलांटिक ओशियन को मिलाता है जिब्राल्टर जल संधि। ठीक है, ये है जिब्राल्टर। ठीक है, इसको अलग करता है, स्पेन और मोरक्को को अलग करता है जिब्राल्टर जल संधि। ठीक है, तो ये याद रखेंगे, तो आइबेरिया प्रायद्वीप में स्पेन, पुर्तगाल, इंडोरा और जिब्राल्टर। ठीक है, ये एरिया याद रखेंगे, सब अलग अलग देश थे तभी अलग अलग रख दिया। ठीक है, इंडोरा क्या है, फ्रांस और स्पेन की सीमा से लगा छोटा सा देश है इंडोरा। ठीक, हो सकता है कभी पेपर में आ जाए इंडोरा कहाँ पर है। अब देखिए यहाँ पर ध्रुव तारा की स्थिति आकाश में उत्तर दिशा की ओर होती है। ठीक है, भौगोलिक स्वरूप देश, ठीक है, अब देखिए भौगोलिक स्वरूप और देश, ग्रेट विक्टोरिया मरुस्थल कहाँ पर है, ठीक है, ऑस्ट्रेलिया में है, जैसे सिम्पसन गिब्सन ये सब कहाँ पे है, ऑस्ट्रेलिया में है। ठीक है, याद रखिएगा, ग्रेट कैनियन कहाँ पर है, यूएसए में है, लेक विनिपेग कनाडा में पड़ता है, दक्षिणी आल्पस, एक आल्पस आपका यूरोप और रूस के एरिया में, वो यूरोप के एरिया में पड़ता है, और ये कहाँ पे, कि दक्षिणी आल्पस कहाँ पर है, ये न्यूजीलैंड में है। ठीक है, दक्षिणी आल्पस न्यूजीलैंड में है। अब देखिए साइकन रेल सुरंग, होकाइडो को हुनसू के मध्य जल के अंदर निर्मित विश्व सबसे प्रमुख रेल सुरंग है। देखिए जैसे हमारे यहाँ हुगली में बनाया गया है, ठीक है, कलकत्ता के हुगली में एक सुरंग बनाया गया है, रेल सुरंग, ऐसे ही यहाँ पहले ही बना दिया गया था साइकन रेल सुरंग, सीकन, ठीक है, तो इसको सीकन भी कहिए, साइकन, तो पूछा था सीकन या साइकन रेल सुरंग कहाँ पर है, तो होकाइडो से हुनसू के मध्य जल के अंदर निर्मित विश्व की एक प्रमुख सुरंग रेल सुरंग है। पेट्रोनॉर्स टावर्स कहाँ है, मलेशिया की राजधानी कुआलालंपुरम में अवस्थित है, तो ये भी याद रखिएगा, मलेशिया की राजधानी क्या है, मलेशिया की राजधानी क्या है, कुआलालंपुरम है, ये पेट्रोनॉर्स टावर यहीं पर स्थित है। और रोगन बांध कहाँ है, तजाकिस्तान की बक्स नदी पर। ठीक है, रोगन बांध कहाँ पे है, तजाकिस्तान की बक्स नदी पर, आईएस 2005 में ये तीनों ही आए थे। ठीक है, मतलब एक ही क्वेश्चन में आया था, ऑप्शन में दे देके मतलब स्टेटमेंट में, तो आईएस 2005 में ही आया था, रोगन बांध बक्स नदी पर तजाकिस्तान में स्थित है। अब देखिए ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, सदाबहार क्वेश्चन है, पूछा जाता है बार बार, गोल्डन ट्रायंगल किस देश को बोला जाता है, तो गोल्डन ट्रायंगल किस देश को बोला जाता है, म्यांमार को बोला जाता है, थाईलैंड को बोला जाता है,
और लाओस को बोला जाता है। यही तीनों गोल्डन ट्रायंगल के नाम से जाने जाते हैं। एक होता है बरमूडा ट्रायंगल, दोनों में इसलिए दोनों लिख दिया, बरमूडा ट्रायंगल अलग है, गोल्डन ट्रायंगल अलग है। गोल्डन ट्रायंगल अपने ये दक्षिण पूर्व एशिया के देश हैं, तीन देश हैं, ये देखिए म्यांमार, थाईलैंड, लाओस। ये देखिए आपको ट्रायंगल भी दिया गया है, आप नेट पे सर्च करेंगे ऐसे ही आपको मिलेगा इमेज, ठीक है। म्यांमार, थाईलैंड, लाओस, मैं आपके लिए नेट से पूरा तक खोज के लाता हूँ, ठीक है, ताकि आपको आपका समय बचे। मैं हमेशा सोचता हूँ आपका एक समय बचे इस चीज को आप पढ़ने के लिए। अगर गोल्डन ट्रायंगल वहाँ घटना चक्र में दिया होता तो आपको पढ़ने के लिए देखना पड़ता कि गोल्डन ट्रायंगल है कहाँ मैप में। यहाँ पर हमने इसलिए लाया कि आपका समय बच जाए आप, ठीक है। अब खोजने की कोई जरूरत नहीं, आपको मैप मिल गया, म्यांमार, थाईलैंड, लाओस, ठीक है। तो अब देखिए म्यांमार, थाईलैंड, लाओस, ठीक है। अब देखते हैं यहाँ पर बरमूडा ट्रायंगल। बरमूडा ट्रायंगल क्या है? ये उत्तरी अटलांटिक महासागर का एक पश्चिमी भाग का क्षेत्र है। ये यहाँ पर क्या होता है, जो जैसे शिप कोई आती है तो ये शिप इतना यहाँ पर नीचे, वो देखिए आप जैसे आप अभी देखेंगे, अगर आप अपने आसपास देखेंगे, अभी जैसे बारिश हुई है काफी जगह पे, तो ये वो हो जाता है हल्का सा, जैसे आप छोटी सी नदी में देखेंगे या छोटे से तालाब में देखेंगे, तालाब में मुश्किल होता है, लेकिन नदी में देखेंगे तो नीचे ऐसे जैसे भंवर होता है। क्या होता है? छोटा सा भंवर होता है, तो कुछ लोग इसको डेविल स्टेट भी ट्रायंगल कहते हैं। तो डेविल ओबल कुछ नहीं, वो प्राकृतिक का एक नियम है, ठीक है। इस पर कई मूवियां बन चुकी हैं, कम से कम 2-4-10 मूवी तो बनी चुकी होंगी इस पे, ठीक है, या और बन चुकी होंगी। तो यहाँ पर क्या होता है, जैसे आप नदी में किनारे जाएंगे ये ऐसे भंवर बनता है, वैसे यहाँ भी एक, अब देखिए नदी है तो छोटा भंवर बनेगा, तालाब है तो और छोटा भंवर बनेगा, लेकिन जब ये आप किसी समुद्र की बात करते हैं तो वो बहुत बड़ा बनता है, ठीक है, भंवर। तो अगर यहाँ पर इतना इसका वो होता है, मतलब ये पावर होता है कि अगर कोई भी यहाँ पर शिप इसके पास से अगर जा रहा है, गुजर रहा है, तो इसको अपने अंदर ले लेगा, ठीक है। तो कई मूवी आप देखेंगे, लेकिन वो सिर्फ आप इसमें इतना याद रखें जो आपके लिए है। बरमूडा ट्रायंगल कहाँ पर पड़ता है? उत्तरी अटलांटिक महासागर के पश्चिमी भाग का एक क्षेत्र है, ठीक है। तो ये याद रखेंगे कहाँ पर, उत्तरी अटलांटिक महासागर का, ठीक है। सुदूर पूर्व चावल का कटोरा म्यांमार को बोला। रेड बेसिन कहाँ पर है? चाइना में, हमने बताया था। रेड उसका झंडा याद कर लीजिए, रेड दो बार क्वेश्चन आया, वहां भी आया था यहाँ भी, ठीक है। तो रेड बेसिन चाइना में। पेड़ की आयु का पता लगाया जा सकता है उसके धड़ और बलियों की संख्या की गणना करके। अब देखिए यहाँ पर पेड़ की आयु है, जैसे जब पेड़ कटता है तो पेड़ नहीं काटना चाहिए, याद रखेंगे पेड़ ही हमारा जीवन है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर क्या है, जब पेड़ कटता है तो अब देखेंगे पेड़ का जो ये एरिया होता है, ये इसी से पता चलता है, ये पेड़ के जितना बले की संख्या होगी उतना पता चलता है कि ये पेड़ कितना पुराना है, ठीक है। तो उसके धड़ और बलियों की संख्या की गणना पेड़ की आयु से पता लगाया जा, पेड़ की आयु का पता कैसे लगाया जा सकता है? उसके धड़ और बलियों की संख्या की गणना करके उसका पता लगाया जा सकता है, ठीक है, कि यह पेड़ कितना पुराना है, ठीक है। ये देखिए बलय यहाँ पर थोड़ा सा जूम करके दिखा दिया गया है, ठीक है। अब देखिए अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन का मुख्यालय कहाँ पर है? अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन का मुख्यालय कहाँ है? लंदन में है। अंतर्राष्ट्रीय रेड क्रॉस सोसाइटी जिनेवा में है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय द हेग में है। खाद्य और कृषि संगठन न्यूयॉर्क में है। कोपाक बाना पुलिन कहाँ पर है? ब्राजील में, ठीक है, ब्राजील में कोपाक बाना पुलिन है, ठीक है, ब्राजील में, ठीक है, ये याद रखेंगे। लीनिंग टावर ऑफ पीसा इटली में है, जो लगातार झुकती जा रही है, इसको सीधा करने का प्रयास किया जा रहा है, लीनिंग टावर ऑफ द पीसा, ठीक है, इटली में है। एलेसा पैलेस कहाँ है? फ्रांस के पेरिस में है। फ्रांस के पेरिस में एलेसा पैलेस है, जैसे हमारे यहाँ राष्ट्रपति भवन है, ऐसे यहाँ पर फ्रांस के राष्ट्रपति का सरकारी निवास है, ठीक है। तो फ्रांस के राष्ट्रपति का मतलब वहाँ के प्रमुख हैं, जैसे हमारे यहाँ प्रधानमंत्री मोदी जी मेल होते हैं, मतलब प्रमुख तो राष्ट्रपति होते हैं, लेकिन सब करता धरता कौन है? मोदी जी हैं, ठीक है। तो ये फ्रांस के राष्ट्रपति का जो सरकारी निवास है एलेसा पैलेस ही होता है, ठीक है, जैसे व्हाइट हाउस आप पढ़े होंगे, यूनाइटेड ऑफ स्टेट अमेरिका का। सबसे अधिक डाकघर भारत में है। चेर्नोबिल परमाणु आपदा कब हुआ था? 26 अप्रैल 1986 में, तत्कालीन सोवियत संघ के हुआ था, ठीक है। तो मतलब उस समय यूक्रेन और ये आपका ये डिवाइड नहीं थे, रसिया, ठीक है, तो एक ही में था, उसको सोवियत संघ कहते थे, ठीक है। वहीं पर चेर्नोबिल परमाणु आपदा हुई थी 26 अप्रैल 1986 को, आज
के समय में शायद ये एरिया यूक्रेन में है, ठीक है। लीप फॉरवर्ड पॉलिसी, ठीक है, लीप फॉरवर्ड पार्टी, यह एक आर्थिक और सामाजिक अभियान है जिसे चीन में द्वितीय पंचवर्षीय योजना 1958 से 62 में लागू किया गया था। लीप फॉरवर्ड पॉलिसी, ठीक है, आप सोचेंगे ये सब क्वेश्चन कहाँ से आ रहा है, तो ये विविध का क्वेश्चन है, मिसलेनियस का क्वेश्चन है, इसमें ऐसे क्वेश्चन आते हैं जो आपके आउट ऑफ सिलेबस से ही रहते हैं, ठीक है। तो अब जीएस है उसमें आप कह भी नहीं सकते ये आउट ऑफ सिलेबस है, जीएस मतलब सब कुछ, ठीक है, ब्रह्मांड में जितनी चीजें हैं सब जीएस है, ठीक है, मतलब मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप पढ़ नहीं सकते, लेकिन एक वो होता है। अब ऐसा नहीं है कि आपको 150 क्वेश्चन ही करना है, ये भी दिमाग में रखा करिए कि आपको 150 पूरे क्वेश्चन नहीं करना है, ठीक है। तो आपको लगभग अगर 100-112 इतना पार कर देते हैं, क्वेश्चन की बात कर रहा हूँ, तो 100 दिमाग में रखिए, अगर 100 का क्वेश्चन पार कर दे रहे हैं तो आपका सही जा रहा है, ठीक है। तो लेकिन अगर 100 से अगर ऊपर ही जा रहे हैं, जितना ऊपर जा रहे हैं उतना ही आपके लिए सही होगा, ठीक है। लीप फॉरवर्ड पॉलिसी, यह एक आर्थिक और सामाजिक अभियान है जिसे चीन में द्वितीय पंचवर्षीय योजना में लागू किया गया था। 40 कबीलों का देश किर्गिस्तान, ठीक है, याद रखेंगे 40 कबीलों का देश कौन सा है, किर्गिस्तान। अमलैंड या हिटर लैंड, यह नगर के आसपास का क्षेत्र होता है, ठीक है, याद रखिएगा अमलैंड, अभी हम बताए थे अमलैंड या नगर के आसपास का क्षेत्र होता है। 40 कबीलों का देश किसको कहते हैं, किर्गिस्तान। अब देखिए यहाँ पर मध्य पूर्व में शामिल देश, देखिए यहाँ पर कई कंट्राडिक्शन है, कहीं कहीं पर कुछ और दिया मिडिल ईस्ट, कहीं और दे दिया जाता है, तो मतलब जो एक CIA का एक डाटा था उसके अकॉर्डिंग हमने यहाँ दिखाया है, या आप कह सकते हैं जो घटना चक्र में दिया गया है कि मध्य पूर्व में शामिल कौन कौन से देश हैं, मिडिल ईस्ट में कौन कौन से देश हैं, तो वहाँ पर हमने यहाँ पर इतना चीज़ें लिखा है, ठीक है, ये आपके घटना चक्र का ही है जो CIA के से लिया गया है, ठीक है। तो यहाँ पर कौन सा है, आर्मेनिया है, अजरबैजान है, बहरीन है, गाजा पट्टी है, जॉर्जिया है, ईरान है, इराक है, इजराइल है, जॉर्डन आता है, कुवैत, लेबनान, ओमान, कतर, सऊदी अरब, सीरिया, तुर्की, UAE, वेस्ट बैंक और यमन, ये कौन से हैं, मध्य पूर्व मिडिल ईस्ट के देश आते हैं। ये मैंने इसलिए बताया है कि आरओ 2021 में उस समय क्वेश्चन आया था जब मिडिल ईस्ट सुर्खियों में नहीं था, वैसे मिडिल ईस्ट हमेशा सुर्खियों में होता है, लेकिन पूरी तरह से जैसे अभी प्रेजेंट टाइम में इजराइल लेबनान पर हमला कर रहा है, यमन पर हमला कर रहा है, ईरान पर, ठीक है, तो उस इतना जब वो सुर्खियों में नहीं तो आ सकता क्वेश्चन, तो अभी जो इस सुर्खियों में चल रहा है तो यहाँ से जरूर क्वेश्चन आ सकता है। आरओ मेंस में क्वेश्चन क्या पूछा गया था कि मिडिल ईस्ट में कौन सा देश शामिल है, ठीक है, तो वहाँ पर सभी जितना भी ऑप्शन दिया था सभी देश था लगभग, तो आर्मेनिया हो सकता है यहाँ से उठा के किसी अफ्रीका कंट्री का दे दे, मोरक्को का दे दे, ठीक है, या नीचे आपका बोत्सवाना दे दे, तो उसको हटाना है, ठीक है आपको, तो कौन सा, आर्मेनिया, अजरबैजान, बहरीन, गाजा पट्टी, जॉर्जिया, ईरान, एक बार देख लीजिएगा, ज़्यादा मतलब ये मत सोचिएगा कि एकदम रटना ही है, थोड़ा सा देख लीजिएगा कौन कौन से मिडिल ईस्ट कम ये कंट्री हैं, ठीक है। तो आज आपका क्या हुआ, वर्ल्ड ज्योग्राफी पूरी तरह से हमने कंप्लीट कर दिया है। हमने ये बता रहा हूँ कि हमने कोई भी जल्दबाजी नहीं की, ऐसा होता है जिनका जैसे कोर्स नहीं कम्प्लीट, तो ये तो अच्छा हुआ थोड़ा सा आपका पेपर एक्सटेंड हो गया, ठीक है, नहीं तो मैं थोड़ा सा पहले, क्योंकि अगर एक्सटेंड नहीं होता आपका पेपर तो मैं थोड़ा इसी के अंदर ही कर देता, ठीक है, जो आपको बताया था उसी मंथ में, ठीक है, लेकिन ये भी थोड़ा सा मतलब अब ये नहीं कर सकते कि पेपर एक्सटेंड हुआ अच्छा ही हुआ, मतलब हो सकता है किसी की बहुत सबकी तैयारी चल रही होगी अच्छी, ठीक है, एक्सटेंड हो गया थोड़ा सा डाउन हो गया, तो लेकिन डाउन मत करिएगा, तैयारी अच्छे से करिएगा, जितना पेपर एक्सटेंड हुआ है उससे उतना ज़्यादा कंपटीशन बढ़ गया है। तो आज का ये पूरी तरह से ये जो वर्ल्ड ज्योग्राफी ख़त्म हो गया है, अब इसका क्या कर सकते हैं आप, PDF, ठीक है, PDF टेलीग्राम पे 10 से 12 घंटे में, यही सिर्फ हमको कंपाइल करने में जो समय लगेगा लगेगा, इसको हम PDF आपको टेलीग्राम पर प्रोवाइड कर देंगे। पूरी PDF को लगभग अभी मुझे भी नहीं पता है कितने पेज में होगा, लेकिन अब मुझे लगता है उसका 1/3 ही पेज होगा, जितना पेज आपके घटना चक्र में होगा उसका 1/3 ही पेज होगा, ठीक है। तो अभी आपको पता चलेगा, एक वीडियो आएगा 5 मिनट का छोटा सा, उसी के नीचे सब कुछ लिंक रहेगा डाउनलोड करने का, हर चीज़ आप डाउनलोड वहां से कर सकते हैं, ठीक है। तो चलते हैं, आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।